गुड इवनिंग नमस्कार साथियों मैं करण चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं तो आज की क्लास में आप सबका स्वागत है और आज आप देख रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों आज आपकी जो क्लास चल रही है वो जीएस महारथी बैच की क्लास चल रही है तो आप सब देख रहे हैं जीएस महारथी बैच जीएस महारथी बैच क्या है इसके लिए पोस्टर हमारी टीम आपके सामने डिस्प्ले कर देगी तो जीएस महारथी बैच के बारे में आज हम मैं आपको डेमो देने वाला हूँ बढ़िया सा आज हम समझेंगे टॉपिक है स्थानीय स्वशासन के बारे में और मैं आपको पढ़ाऊंगा पंचायतों का टॉपिक आप सभी जानते हैं कि जो पंचायतों का टॉपिक है है बहुत ही जानदार टॉपिक महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर पंचायतों के बारे में इतनी सारी बातें कही गई महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा जो है गांव में बसती है अगर भारत से एक गांव नष्ट हो गए तो पूरा भारत देश हमारा नष्ट हो जाएगा तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे पूरे की पूरे अवधारणाएं पढ़ेंगे पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आपको मैं सारी बातों को जो गांधी के द्वारा कही गई हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई हैं और यूपीएससी यूपीएस प्रश्न कैसे बनता है आपके लिए प्रम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे प्लस मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बीच बीच में हम देखेंगे कि कौन से कौन से प्रोविजन है क्या एस के डे का डेवलपमेंट प्रोग्राम था या डे फॉर्मूला कौन सा था जो आया था सी के बारे में

भारत की आत्मा है तो गांधी जी का कथन था गांधी जी कहा करते थे कि भारत देश की जो आत्मा वस्ती है वो गांव में वस्ती है तो अकॉर्डिंग टू तो गांधी फिलोसफी गांधीन फिलोसफी के अनुसार आप देखेंगे तो गांव जो था ये प्रशासन की सबसे प्रथम इकाई होती है और ये जो गांव होता है गांधी के अनुसार गांव भारत की जो आत्मा है वो गांव में वस्ती है तो महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर भारत देश से गांव नष्ट हो गया बिल्कुल आपके कमेंट मुझे नजर आ रहे हैं ठीक है तो अगर भारत देश से गांव नष्ट हो गया तो पूरा भारत जो है वो नष्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों तो गांव को महात्मा गांधी प्रथम मानते थे जवाहरलाल नेहरू ने पंचायतों के बारे में कथन कहा था जो बहुत ही महत्वपूर्ण सा कथन है आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कभी कभी पूछा जाता है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला अगर आपसे कभी पूछे कि लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला पंचायतों को किसने कहा तो याद रहेगा स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा था श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जीएल नेहरू ने पंचायतों को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा था इस प्रकार के प्रश्न आपके पीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार जो हमारे देश की आत्मा है वो कहां कहा थी तो गांव में बसती थी या गांधी के अनुसार स्टेटमेंट के बारे में बताइए पूछ लेगा कि किसका यह कथन है कि जो है पूछ लेगा कि लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला जवाहरलाल नेहरू ने किसको कहा तो पंचायतों को स्थानीय सुशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया लेकिन हमारे भारत देश में जो पंचायत है इनका बहुत बड़ा इतिहास रहा है तो पंचायतों के इतिहास ऐसे रहा है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले से आप देखेंगे चाहे लॉर्ड मेयो हो लॉर्ड रिपन हो 1919 का अधिनियम हो 1935 का अधिनियम हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो उसके बाद आप देखेंगे

आजादी के बाद आपने देखा कि हमारे यहां सीडीपी चला तो भारत के प्रथम जो पंचायत एक प्रकार से मंत्री हुए दे साथ, दे साथ का और उसके द्वारा सीडीपी सीडीपी को लागू किया गया CDP फेल हो गया इतनी सारी समितियां बनी हमारे देश में बलवंत राय मेहता समिति अशोक मेहता समिति ठीक है आप देखते हैं पीके थुंगन समिति जीवी के राव समिति इतनी सारी कमेटियां बनी इवन संविधान संशोधन होने तक के फेल हो गए बाद में फिर चौहत्तर में माध्यम में से स्थानीय स्वशासन को भारत में जोड़ा गया और जिसको आप वर्तमान में देखते हैं उसके दो प्रोविजन है एक कंपल्सरी प्रोविजन है जो कि सरकारों को लागू करने पड़ते हैं और कुछ ऐच्छिक प्रोविजन है जिसे आप बोलते हैं कि उनकी सरकारों की इच्छा पर डिपेंड करते हैं वो सरकार अपने अकॉर्डिंग देखती है तो दो प्रकार की चीजें आपको देखने को यहां पर मिलेंगी तो प्यारे साथियों आपको उसी स्टैंडर्ड को समझना है इसका एक पूरा इतिहास है पूरी कहानी है तो इस पूरी कहानी को मैं आपके सामने लेकर चल रहा हूं किस प्रकार से पूरी की पूरी कहानी चलती है सबसे पहले आप देखेंगे लॉर्ड मेयो लॉर्ड मेयो का नाम आता है 1864 में भारत में सबसे पहले पंचायतों के बारे में बात की गई 1864 में कहा कि स्थानीय स्वशासन जो होना चाहिए भारत में होना चाहिए अब अंग्रेज भारत में क्यों लाना चाहते थे पंचायत वर्तमान में आप देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि पंचायत लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है हमारे गांधी जी कुछ और कह रहे हैं तो अंग्रेजों को कौन सी बात आनी पड़ रही थी कि पंचायतें भारत में होनी चाहिए इसके पीछे कारण क्या था सबसे बड़ी बात ये देखिए आप भाई के सभी साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ ठीक है तो सबसे बड़ा कारण क्या था तो अंग्रेजों के समय पर सबसे बड़ा कारण एक ही था अंग्रेजों को राजस्व चाहिए होता था रेवेन्यू और पंचायतें जो थी उस समय या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन का बहुत बड़ा एक प्रकार से एक मॉडल हुआ करती थी क्योंकि रिवेन्यू का जो कलेक्शन है ये चाहते थे कि हम नीचे से रिवेन्यू का कलेक्शन कर लें आप सपोज करिए अगर मुझे आपसे पैसा लेना हो और पैसा लेने के लिए बीच में तीन बिचौलियां हो तो आपसे मैं कैसे टैक्स का कलेक्शन करूंगा तो अंग्रेजों ने उस समय टैक्स के रिवेन्यू को ज्यादा बढ़ाने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पुश किया और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के माध्यम से अंग्रेजों ने मोर रिवेन्यू जनरेट करने का प्रयास किया तो लोड मे जब आया तो इसने कई सारे काम किए लॉर्ड भी ने पंचायतों को स्वायत्तता प्रदान करती स्वायत्तता का मतलब है कि फाइनेंशियली स्वायत्तता वित्तीय स्वायत्तता कि पंचायतों के पास ये पावर हो गई या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास ये पावर हो गई कि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद ले सकती थी तो वित्तीय स्वायत्तता इसका मतलब हुआ कि क्योंकि इनको सबका से मतलब जो था ये सब रेवेन्यू से मतलब था तो फाइनेंशियल जो है एक प्रकार से आप देखेंगे ने कुछ पावर प्रोवाइड कर दी

स्थानीय स्वशासन आपने नाम सुना होगा इसको आप बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको आप क्या बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेरे प्यारे साथियों आप सभी यूपीएससी क्लास देख रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमारे अकॉर्डिंग आप सभी यूपीएससी वाले हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय स्वशासन की अगर आप बात करेंगे तो स्थानीय स्वशासन के संबंध में भारत में पहला जो कानून लेकर आया जिसे आप कहते हैं स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा ये लाने का जो कार्य किया था मेरे प्यारे साथियों किसने किया था तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है क्योंकि इसने इसका एक पूरा मैग्ना काटा लेकर आया तो मैग्ना काटा क्या होता है मैग्ना काटा एक प्रकार से आप ये मान के चलिए जैसे फंडामेंटल राइट का मैग्ना काटा आया था सर्वप्रथम ब्रिटेन में उसी प्रकार से लॉर्ड रिपन मैग्ना काटा लेकर आया था और यह मैग्ना काटा भारत में देखने को मिलेगा तो स्थानीय स्वशासन के बारे में जो नियम बनाने की सबसे पहली बार स्थानीय स्वशासन के बारे में जो नियम बनाने की शुरुआत करता है वो लॉर्ड रिपन करता है जनक कौन है तो जनक के संबंध में जो पहला उत्तर आपका आता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो उत्तर आता है आपका लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन।, रिपन ने क्या किया लॉर्ड मियो ने और लॉर्ड रिपन में एक डिफरेंस था लॉर्ड मियो ने पंचायतों का संस्थागत संस्थागत नहीं बनाया पंचायतों को लॉर्ड ने इंस्टीट्यूशनलिज्म जो बनाने का प्रयास किया पंचायतों को संस्थागत बनाने का प्रयास किया पंचायतों को वो लॉर्ड रिपन के माध्यम से किया गया लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन चाहे वो नगर पालिका हो चाहे वो पंचायतों हो इन सबको संस्थागत करने का प्रयास किया तो वो व्यक्ति था लॉर्ड रिपन इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है पंचायतों का जनक कहा जाता है भारत में या पंचायत है ऐसा कुछ कहा जाता है कई प्रकार के कथन आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर आपसे कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि पंचायतों का या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मैग्ना कार्टा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तब आपका आंसर होता है लॉर्ड रिपन बहुत ही साधारण सा प्रश्न बनता है लॉर्ड रिपन के संबंध में तो छोटी छोटी बातें जो प्रम्स एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं अभी मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे चलते हैं कहानी को लेकर क्योंकि यहां से वनडे टाइप के एग्जाम में प्रश्न ज्यादा बनते हैं आपको एग्जाम दोगे स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में कौन है तो लॉर्ड रिपन है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसने पेश किया ऐसे प्रश्न बीपीएससी पूछ लेता आपके एग्जाम में तो बीपीएससी को फोकस करेंगे ध्यान देंगे इस बात पे कभी-कभी प्रश्न पूछ लेगा कि स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कौन सी सन में आया 1882 में कौन लेकर आया लॉर्ड रिपन लेकर आया इस प्रकार के प्रश्न आपसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बीपीएससी हो गया आपका पीसीएस का पेपर हो गया यूपीपीसीएस हो गया आपका आरआईएस हो गया ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे आपका एमपी का पेपर हो गया यूपीएससी ऐसे प्रश्न इस प्रकार से डायरेक्ट नहीं पूछेगी यूपीएससी क्या पूछेगी वो पंचायतों को लेकर दो तीन स्टेटमेंट आपसे पूछेगी और उसमें एक स्टेटमेंट होगा कि पंचायतों में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है तो ये कथन होगा और इस कथन को आप वहां पर सही कर रहे होंगे यूपीएससी डायरेक्ट प्रश्न कभी नहीं पूछती वो कथन बना के आपसे प्रश्न पूछेगी कि निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है तो वहां इस अप्रोच को आप फॉलो करेंगे कि सर इसको कहा जाता है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है क्योंकि रिपन ने पंचायतों को संस्थागत किया तो ये प्रश्न आपके सामने बन सकता है कि संस्थागत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था तो ये आपके सामने उत्तर आ जाएगा लॉर्ड रिपन इसने काफी सारी था 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 दी पंचायतों को और कहा कि आप भैया पंचायतें और या जो स्थानीय सुशासन है उसको थोड़ा मजबूत करिए टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा थोड़ी उनको पावर दीजिए ये सारे काम इस व्यक्ति के द्वारा किए गए थे इसके बाद 1919 का जो अधिनियम आया इसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं इतिहास में तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म काफी महत्वपूर्ण था पंचायतों को लेकर और मोन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने 1919 में जब भारत में आया इसने पंचायतों को एक चीज दी और वो सबसे मेन चीज थी इसने ये कहा कि पंचायत जो है ये गवर्नर के अंडर थी और गवर्नर की जो परिषद थी इसका मतलब हुआ कि जो गवर्नर था जो गवर्नर था वो गवर्नर अपनी काउंसिल गवर्नर की उस समय काउंसिल हुआ करती थी तो गवर्नर अपनी काउंसिल के साथ जो उसकी परिषद थी उसकी काउंसिल थी इस परिषद के साथ निर्णय लेगा और तब पंचायतें जो होती है प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि गवर्नर की परिषद की सब्जेक्ट थी विषय थी तो आप कह सकते हैं कि स्थानांतरित विषय हो जाते हैं उसका कार्य करती थी कॉलिंग पंचायत जो थी एक प्रकार से हम मान के चलिए संघ का सब्जेक्ट थी 1919 सौ उन्नीस में पंचायतें बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव आया उन्नीस का अधिनियम आया भारत में तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से एक मेजर काम किया गया कि पंचायतों को राज्य सूची का विषय बनाया गया राज्य सूची का विषय आज आप वर्तमान में देखते हैं तो पंचायतें राज्य सूची का विषय है तो पंचायतों को स्टेट लिस्ट का जो पहली बार जो बनाया गया वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से बनाया गया देखो इसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19. 1919 के दिन में पंचायतें जो थी यूनियन का सब्जेक्ट करती का हुआ करती थी संघ का विषय हुआ करती थी बाद में Moroclar...

क्योंकि इसने भारत को संघीय ढांचा दिया था जो भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है जो हमारे कंट्री का संघीय ढांचा है वो 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्राप्त हुआ था तो संघीय ढांचा जब भारत को दिया तो संघ का मतलब आप समझ रहे हैं तो इसने 1935 के अधिनियम ने जब संघीय ढांचा दिया तो राज्यों को शक्ति प्रदान की क्योंकि आप जानते हैं संघ का वा, वास्तविक मीनिंग क्या होता है भाई यूनियन आप बताओगे तो यूनियन का मीनिंग क्या है यूनियन का एक्चुअल मीनिंग है कि डिवीजन ऑफ पावर भाई यूनियन संघ होता है वो क्या करता है कि ऑफ पावर आपको में देखने को मिलेगा। राज्यों के राज्य सूची का विषय बन गई और वर्तमान में आप देखोगे तो पंचायतें जो है वो राज्य सूची का विषय है तेहत्तरवे संविधान संशोधन के माध्यम से भी इसको परिवर्तित नहीं किया गया और उसके अकॉर्डिंग भी पंचायतें वर्तमान में पंचायत राज्य सूची का विषय आपको देखने के लिए मिलती है तो यह 1935 के अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को राज्य सूची का विषय बना दिया गया अब 1935 के अधिनियम के बाद भारत की कहानी स्टार्ट होती है हमारी आजादी की कहानी स्टार्ट होती है सुनो हमारी आजादी की कहानी स्टार्ट होती है हमारी जो आजादी हुई इसकी कहानी स्टार्ट होती है गांधी जी ने एक किताब लिखी थी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया आपने इसका नाम सुना होगा महात्मा गांधी की किताब थी जिसका नाम था माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया एक बार एक एग्जाम में प्रीलिम्स में इस किताब का नाम पूछा गया है कि गांधी जी ने किस किताब में ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी तो किताब का नाम है माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया ये महात्मा गांधी की पुस्तक है चलिए इसी पुस्तक को मैं बेस मांगी कुछ बातें आपके सामने करता हूं महात्मा गांधी की किताब है जिसका नाम है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया एक प्रश्न आपका पक्का हो जाता है ग्राम स्वराज की अवधारणा को लेकर महात्मा गांधी ये मानते थे कि जो गांव होता है उस गांव में देश की जो है जन देश का जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है तो ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है गांधी की वो गांधी ने पहली बार अपनी इस किताब में रिफ्लेक्ट की थी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया फ्री इंडिया का मतलब है कि जब हमारा देश आजाद होगा तब हमारा देश किस प्रकार का प्रदर्शित होगा इसका मतलब है गांधी ऑलरेडी इमेज हमारा कंट्री आजाद होगा तो किस प्रकार से दिखेगा आज हमारा कंट्री किस प्रकार से दिखता है आज हमारे कंट्री में बेरोजगारी है आज हमारे कंट्री में भुखमरी है आज हमारे कंट्री में आज हमारे कंट्री में महिलाओं की स्थिति खराब है लेकिन फिर भी हमारा देश बहुत अच्छा है भली मान के चलिए आज जो है हम मेडल टैली में ओलंपिक में नीचे स्थान पर है लेकिन फिर भी हमारे देश का जो युवा है वो मेहनत कर रहा है और वो एक गाना आया है ना रिसेंटली कौन सा गाना आया वो? है वो बचपन की कौन सा गाना है बचपन का प्यार भूल मत जाना रे तो हमारे देश का युवा ऐसी चीजों को बनाने में लगा हुआ है तो गांधी जी ने ये पहली पिक्चर कर ली थी कि हमारे देश का युवा ऐसा होगा जो बचपन की प्यार भूल मत जाना रे ड्यू लगा के लड़कियों को अपने तरफ आकर्षित करेगा ऐसा कुछ था नहीं गांधी जैसा कुछ सोचते नहीं थे गांधी सोचते थे कि जब हमारा देश आजाद होगा तो ग्राम स्वराज की अवधारणा होगी और ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है इसका मतलब था कि जो गांव होगा हो गा। और गांव में देश की आत्मा बसेगी क्योंकि उस समय की बात है जब महात्मा गांधी थे उस समय देश में करीब करीब मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन गांव में निवास करती थी उस समय शहरों की जनसंख्या बड़ी कम हुआ करती थी तो गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा के ऊपर विचार किया गया विचार किया गया जब हमारी संविधान सभा बनी तो संविधान सभा ने विचार किया कि हमें स्थानीय सुशासन को भारत के संविधान में स्थान देना चाहिए लेकिन बड़ी बात यह थी कि स्थानीय सुशासन को स्थान देंगे कैसे इसके लिए बड़ी अच्छी खासी बहस छोड़ी और उस समय गांधीवादी नेता थे जिनका नाम था श्रीमन नारायण अग्रवाल मैं इनका नाम आपको लिखा देता हूं क्योंकि कई क्यों बार कई एग्जाम्स में यह प्रश्न आपके सामने टकराया है अगर आप बंडे वाले हैं तो नहीं टकराएगा लेकिन आप पीसीएस वाले हैं तो इस प्रश्न को छोड़कर आप श्रीमन नारायण अग्रवाल इनका नाम था श्रीमन नारायण अग्रवाल बड़े ही अच्छे गांधीवादी नेता थे और श्रीमन नारायण अग्रवाल के बहुत जिद्दोजहद करने पर मतलब प्रश्न कभी-कभी पूछता है कि संविधान सभा में जो अनुच्छेद 40 है उसके लिए जब बहस हुई तो आर्टिकल 40 को या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को या पंचायतों की मैं बात करूं पंचायतों को भारत के संविधान में शामिल कराने के लिए ये किसका भरकम प्रयास किया गया था तो श्रीमन नारायण अग्रवाल जी जो थे इन्होंने भयंकर लेवल पर प्रयास किया था कि पंचायतों को जो है ये इसके अंदर शामिल किया जाए इसके बाद श्रीमन नारायण अग्रवाल साहब ने बहस की इसके बाद के एम मुंशी की अध्यक्षता में ये सारी बातें आपको किसी किताब में मिल जाएंगी के एम मुंशी के एम मुंशी का मतलब है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के एम मुंशी के बारे में आप जानते हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के एम मुंशी की अध्यक्षता में पंचायतों को संविधान में शामिल करने के लिए समिति का गठन किया गया और उस समिति ने यह सिफारिशें दी कि पंचायतों को डीपीएसपी का सब्जेक्ट बना देना चाहिए और इसी के एम मुंशी की समिति की सिफारिश के आधार पर यह समिति बनी थी कमेटी थी इस समिति की सिफारिश के आधार पर आर्टिकल 40 में पंचायतों को शामिल किया गया और आर्टिकल चालीस आप जानते हैं कि डीपीएसपी का आर्टिकल है ये इसके अंतर्गत पंचायतों को शामिल किया गया और आर्टिकल चालीस कहता है कि भारत में पंचायतों का गठन किया जाएगा अब इस सिलाड़ से कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं जैसे एमपीपीसीएस का पेपर हो गया यूपीपीसीएस का पेपर हो गया बीपीएससी का पेपर हो गया आपसे प्रश्न डायरेक्ट बना सकता है कि ये बताइए पंचायतों के अनुच्छेद 40 के ऊपर या पंचायतों को भारत के संविधान में शामिल करने के लिए संविधान सभा की कौन सी समिति ने कार्य किया था तो उत्तर होगा के एम मुंशी समिति ने इसके ऊपर कार्य किया था आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से गांधीवादी नेता जिनके प्रयास के बाद प्रयास के बाद गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को भारत के संविधान में जगह दी गई तो उत्तर होगा आपके श्रीमद नारायण अग्रवाल आपसे पूछ सकता है कि गांधी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा अपनी कौन सी पुस्तक में प्रस्तुत की तो आपका उत्तर होगा माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा को पहली बार मेरे प्यारे साथियों प्रस्तुत किया ग्राम स्वराज की अवधारणा को गांधी जी ने पहली बार इसमें प्रस्तुत किया तो तो बेसिक बेसिक सी बाते हैं। चोटी -चोटी सी बातें बातें हैं हैं छोटी छोटी जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो जितने भी साथी देखिए ये क्लासेस आपके लिए फ्री चलने वाली नहीं है क्योंकि फ्री में एक बात मैं आपको बुरी लग जाएगी कहना क्योंकि होता क्या है कि मैं इसमें डांस करूं मैं कुछ तात तात तक तक ता तो इस पर इतने व्यूज आएंगे कि मजा आ जाएगा ठीक है थोड़ी सी कमरिया हिलाओ तो और व्यूज आएंगे तो एक्चुअली में क्या है कि सारी क्लासेस पेड होंगी आपको जिसको पढ़ना है तो शिक्षा पर जीएस का बैच है आप उस जीएस के बैच में एडमिशन लें और पोस्टर हमारी टीम आपको दिखा देगी उस बैच में एडमिशन लेने के बाद आपको प्रॉपर तरीका से यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी उसमें जीएस के टीचर में मैं हूं पॉलिटी का इकोनॉमिक्स की टीचर डॉक्टर सिपरा मैम है उसके अलावा हिस्ट्री के टीचर हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर हमारे राणा सर हैं बहुत अच्छी फैकल्टी रहे राणा सर उसके बाद रघुवंशी सर हमारे उसमें ज्योग्राफी की फैकल्टी है उसके बाद आप साइंस की बात करेंगे तो साइंस में उसमें बहुत अच्छी फैकल्टी सुरजीत सर हैं बहुत ही बढ़िया फैकल्टी एक नंबर उसके बाद आप देखेंगे तो आरती मैम भी आपको साइंस पढ़ाएंगी उसके बाद यूपी जी के मैं पढ़ाऊंगा एमपी पी जी के रघुवंशी सर पढ़ाएंगे अगर आप तैयारी करते राजस्थान की हमारे पास दो फैकल्टी और हैं तो एक बार आपको मैं मारती बैच का पोस्टर दिखा दूंगा बाद में सारी की सारी बातें कर लेंगे तो यथागत तौर पे मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि पेड़ के लिए इस क्लास को यथा शेयर वेयर ना किया जाए जो आपके साथ ही एडमिशन लेना चाहते हो उन्हीं तक क्लास को पहुंचा जाए अन्यथा किसी को शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है चलिए आगे बढ़ते और आगे जानने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या है पंचायती राज सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब पंचायतों को भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया जब पंचायतें भारत के संविधान में शामिल कर ली गई जब पंचायतें भारत के संविधान का हिस्सा बन गई आर्टिकल 40 के तहत जब पंचायतों को इसका हिस्सा बना दिया गया तो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम अभी आप मार्केट में जाइए और किताबें ढूंढिए और किताबें ढूंढेंगे तो इस इंफॉर्मेशन को आप ढूंढकर लिखिए लिखिए किसी भी किताब में जो यथा तथागत किताबें चल रही है मार्केट में अगर इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो कोई आवश्यकता नहीं आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा फ्री क्लासेज आपको संडे को मिलेंगे उसमें पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे लाडलो कोई दिक्कत की बात नहीं संडे को पढ़ाऊंगा पूरी पॉलिटी एक क्लास में वो स्टाइल दूसरा होगा ये स्टाइल दूसरा है तो पंचायती राज सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसको आप नाम देते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको आप नाम देते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम तो कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहले सबसे पहले तो मैं आपकी दो तीन बातें इसमें दूर कर देता हूं सीडीपी के बारे में तो सीडीपी की शुरुआत कब की गई और सीडीपी की शुरुआत किस समिति के आधार पर की गई इसको आप सीडीपी कहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड सीडीपी ठीक है सीडीपी की शुरुआत भारत में क्यों की गई इसके पीछे क्या कारण था और सबसे पहले कहां की गई दो तीन प्रश्न में आपसे पूछूंगा आप इसका उत्तर दीजिएगा एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है एस के डे एक व्यक्ति थे जिसका नाम है एस के दे ठीक है ये एस के दे को सीडीपी का जनक कहा जाता है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सीडीपी का जनक किसे कहा जाता है अगर आपसे प्रश्न पूछ ले एग्जाम में कि सीडीपी का जनक कौन है तो आपका उत्तर होगा कि एस के दे जो है ये सीडीपी के जनक हैं एक प्रश्न बहुत अच्छा एग्जाम में और बनता है अगर मैं आपसे पूछूं कि सीडीपी सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में सबसे पहले कहां पर लागू हुआ

कि सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में ये 2 अक्टूबर को ऑफिशियली लागू किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम लेकिन सबसे पहले जहां पर लागू किया गया एस के डे जो जनक थे इसके और एस के डे साहब जो भारत के पहले पंचायती राज मंत्री हुआ करते थे और एस के डे फॉर्मूला बड़ा ही फेमस था एक बार जरा जूम करके दिखाएंगे कि सबसे पहले कहां पर लागू हुआ दिखाओ जरा इसका उत्तर जो भी बच्चा दे देगा उसको मेरी तरफ से मेरी तरफ से उसको अगर उसने करेक्ट जिले का नाम बता दिया तो मेरी तरफ से उसको बैच फ्री दिखाओ जरा जूम करके मैं अनाउंस करता हूं आप किसी पुस्तक से ढूंढिए अगर उसने जिले का नाम बता दिया कि सबसे पहले सी डी पी कहां लागू हुआ तो मेरी तरफ से बैच फ्री कमेंट दिखाओ टेक्निकल टीम प्लीज ठीक है कमेंट दिखाओ भाई कमेंट चलो मेरे प्यारे साथियों बताइए कमेंट 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 आ, एक का उत्तर आए एमपी सुरजीत यादव जी क्या कह रहे हैं एडमिशन हो रहे हैं सर हाँ एम पी शिविंद्र सिंह एम पी गलत है आपका उत्तर अमरदीप राजस्थान गलत है आपका उत्तर कमलेश मेहरिया एम पी गलत है आपका आंसर विकास साहू आपका आंसर गलत है पारस साहू आपका आंसर गलत है अमरदीप यादव आपका आंसर गलत है अनुराग कुंतल आपका आंसर गलत है क्योंकि आप सब तथाकथित चीजों से पढ़ते हो इसीलिए आपके उत्तर गलत है कंफ्यूजन आपने अपने दिमाग में पैदा कर रखा है एक फिक्स आपने इमेज बना रखी है और इमेज के अकॉर्डिंग आप लोग चलते हो सबसे पहले सी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में नाइनटीन में उन्नीस में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी जिसको आप लोग बोलते हैं डे फॉर्मूला ठीक है जिसको आप लोग बोलते हैं डे कॉन्सेप्ट जिसको आप नाम देते हैं एसके -दे एस डे फॉर्मूला एसके डे कॉन्सेप्ट जितने विद्यार्थी उत्तर दे रहे हैं मध्य प्रदेश सुनो मेरी बात ध्यान से मध्य प्रदेश में तेहत्तरवें संविधान संशोधन का पहली बार लागू किया गया था मध्य प्रदेश में और 2 अक्टूबर उन्नीस को जब भारत में आप सभी जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आने के बाद पंचायती राज को सबसे पहले लागू किया गया था एक प्रकार से ऑफिसियली राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में और यह भी पूछा जाता है कभी कभी कि 2 अक्टूबर उन्नीस से पहले प्रयोग के तौर पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था लेकिन जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था जिसे कहते हैं सीडीपी सीडीपी को लागू किया गया था उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 1948 में और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में लागू करने के बाद 2 अक्टूबर उन्नीस को सीडीपी प्रोग्राम को लागू किया गया आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस समय एसके डे साहब जिनका नाम आप यहां पर देख रहे हैं ये एसके डे जो एक काफी ज्यादा एक प्रकार से उस समय मंत्री हुआ करते थे तो इनका फॉर्मूला यह था कि गांव जो है अपना डेवलपमेंट खुद करें गांव जो है अपना विकास खुद करें गांव अपना विकास खुद करेंगे तो गांव को सरकार के ऊपर आवश्यकता नहीं होगी जोर रखने की तो ये यूपीएससी क्लास आप देख रहे हैं और देख रहे हैं तो इतनी उम्मीद के साथ चलिए कि जो फैक्ट मैं इस बोर्ड पर लिखूंगा आप में संभव था निन्यानवे प्रतिशत बच्चों ने फैक्ट नहीं पढ़े होंगे क्यों नहीं पढ़े होंगे क्योंकि यही खासियत होती है यूट्यूब पे ठुमका लगाने की और यहां एक्चुअल कंटेंट देखने की यही एक अंतर होता है ठीक है तो इस बात को विशेष तौर पे ध्यान देंगे

इटावा बिहार से मोतिहारी से राजस्थान नागौर गलत है सभी राजस्थान वाले गलत हैं ठीक है सभी जो राजस्थान वाले उत्तर दे रहे हैं वो सभी के सभी गलत हैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उन्नीस में 2 अक्टूबर उन्नीस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तब आप इसका उत्तर देते राजस्थान का नागौर जिला का बगदरी गांव आगे आपको सब मिलेगा ये ये कब हुआ ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश आने के बाद लागू हुआ था और इससे पहले इसको प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में एपी में आंध्र प्रदेश ये प्रयोग के तौर पर लागू किया गया अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि सेकंड जिला सेकंड राज्य जिसमें ऑफिशियली लागू किया गया था तो पहला था आपका राजस्थान अगर आपसे ऑफिशियली आप पूछता है और दूसरा था आपका आंध्र प्रदेश एपी ये तो हो गया आपका ये वाला इसके बाद तीसरा है आपका आपसे पूछता है अगर कभी कि ये बता संविधान संशोधन सबसे पहले कहां लागू किया गया पूर्ण तौर पर पूरे देश में सबसे पहले कहां लागू किया गया तो आपका उत्तर होता है मध्य प्रदेश और अगर आपसे पूछता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम सबसे पहले कहां लागू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपको लगता है करें पहले क्यों नहीं बताए पहले नहीं बताए मेरे भाई क्योंकि हर क्लास में हमें कुछ अलग बताना होता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम ठीक है सीडीपी है और सी सबसे पहले लागू किया गया था कब आपकी जानकारी के लिए बता दू 1948 में लागू हुआ था प्रयोग के के तौर पर पर और यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश का इटावा इटावा में सबसे पहले लागू किया गया तो कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं आप इनको विशेष तौर पर ध्यान देंगे ऐसा नहीं आपको एक चीज पता है तो पूर्ण ज्ञानी ही हो गए ये सारी गलतियां आपको एग्जाम में फेल कराती है इन्हीं चीजों पर विशेष फोकस करेंगे उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे तो सीडीपी के जनक कौन है एसके डे को सीडीपी का जनक कहा जाता है अभी सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये पूरी तरीका से फेल हो गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्यों फेल हुआ इसके पीछे कारण क्या थे तो सुनो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई उन्नीस में कुछ जगह सत्तावन लिखा रहता है तो गलत है सत्तावन में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आई थी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आई थी उन्नीस में इस कमेटी की रिपोर्ट आई थी इस समिति को गठित किया गया था 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों हुआ था पहला प्रश्न आपसे से से तो आप विकास कार्यक्रम था सीडीपी इसकी जांच करने के लिए राय मेहता समिति गठित की गई थी इसकी इंक्वायरी करने के लिए बलवंतराय मेहतायी प्रोग्राम फंक्शनिंग एंड सी प्रोग्राम फेल्ड ड्यू टू इस बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा इसने अपनी रिकमेंडेशन में क्या रिकमेंडेशन दी क्योंकि एग्जाम में कई बार सिफारिशें पूछी जाती हैं तो याद रहे इसकी सिफारिशें थी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जनता की भागीदारी नहीं थी जनता की भागीदारी नहीं थी इसने कहा कि ड्यू टू पीपुल ड्यू टू लेस पीपुल पार्टिसिपेशन इसने कहा कि जनता की भागीदारी न होने की वजह से ड्यू टू इसने कि विकास फेल हो गया क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी नहीं थी एग्जाम की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति आपसे पूछेगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जनक कौन थे उत्तर होगा एसके डे तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में आप सभी की सारी इंफॉर्मेशन को जानकर चलिए तभी आप ये श्योर हो पाएंगे किस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो मैं उसको उत्तर छोड़ूंगा नहीं तभी आप इस बातों को लेकर में राय मेहता समिति बनी तो बलवंत राय मेहता साहब ने अपनी समिति में रिकमेंडेशन दी और बलवंत राय मेहता समिति की पहली रिकमेंडेशन जो आपके सामने थी वो क्या थी इस समिति ने रिकमेंडेशन दी कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत होनी चाहिए इसको आप बोलते हैं डेमोक्रेटिक तो पहला प्रश्न एग्जाम में यहां से बनता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोक विकेंद्री जो था इसकी शुरुआत कब हुई थी भारत में तो उत्तर आपका आता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या जिसको आप लोग नाम देते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आप नाम देते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इसकी शुरुआत भारत में कब हुई तो आपका उत्तर आता है सिफारिश किसने की थी तो बलवंत राय मेहता साहब ने की थी और भारत में बलवंत राय मेहता को लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है बलवंत राय मेहता इज कॉल्ड द फादर ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलेशन इंडिया और इसकी सिफारिशें क्या थी बलवंत राय मेहता साहब ने सिफारिश की कि भारत में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो देखो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण क्या होता है इसको समझने का प्रयास करें

बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश थी वो ग्रामीण गांधी जी के जो गांधी जी का जो अवधारणा थी जो गांधी जी लेकर आए थे ग्राम स्वराज की अवधारणा उस अवधारणा पर बेच थी इस समिति की सिफारिश के, के आधार पर इस समिति ने और सिफारिशें की और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर आप देखेंगे इस समिति ने कहा कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए इस समिति की सिफारिश थी कि भारत में थ्री सिस्टर त्रिस्तरीय थ्री टायर त्रिस्तरीय पंचायती राज्य त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए यह बात आप ध्यान से सुन लें पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए इस समिति की पहली सिफारिश थी चलो अब इस समिति की सिफारिशों के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं जानने का प्रयास करते हैं इसकी क्या क्या सिफारिशें थी इस समिति ने कहा कि भारत में इस प्रकार से इस लेवल पर यहां देखेंगे तो आप सभी जानते हैं कि यहां जो होता है वो जिला परिषद होता है इसको आप लोग बोलते हैं जिला परिषद समिति की सिफारिश थी नीचे वाले को आप लोग क्या बोलते हैं इसको आप बोलते हैं ग्राम पंचायत या पंचायत समिति सॉरी इसको आप लोग बोलते हैं पंचायत समिति या खंड पंचायत और जो नीचे वाला इसको आप लोग क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत के नाम से आप नीचे वाले को जानते हैं तो जिला परिषद ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गया ठीक है जिला परिषद ये जो हो गया ये ब्लॉक लेवल पर हो गया और नीचे वाला जो विलेज लेवल पर हो गया

जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है फॉर एग्जाम्पल आप देखो मणिपुर है तो मणिपुर में आपको नहीं देखने को मिलेगी फॉर एग्जाम्पल गोवा है तो गोवा में आपको नहीं देखने को मिलेगी तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर आपको गोवा मणिपुर ये बढ़िया प्रश्न आपके सामने बनता है एग्जाम में एक अच्छा प्रश्न आपके सामने एग्जाम में बनता है सिक्किम ये तीन ऐसे राज्य हैं कि जहां पर आपको पंचायतें द्विस्तरीय देखने को मिलेंगी ठीक है वर्तमान में मणिपुर गोवा और सिक्किम जो है ऐसे राज्य हैं कि जहां पर पंचायतें आप देखोगे तो पंचायतें मेरे प्यारे साथियों आपको कैसी मिलेंगी आपको द्विस्तरीय पंचायतें देखने को मिलेंगी लेकिन पंचायतों का जो सिस्टम बनाया गया वो कैसा बनाया गया त्रिस्तरीय पंचायतों का सिस्टम बनाया गया ये प्रश्न अच्छा प्रश्न आपके सामने हो सकता है कि वर्तमान में भारत में से कितने राज्य हैं जहां पर द्विस्तरीय पंचायतें हैं तो मणिपुर गोवा और सिक्किम सिर्फ तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको टू टीयर पंचायतें देखने को मिलेंगी ये ऐसे प्रश्न बड़े फैक्चुअल होते हैं भारत में एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर चार स्तरीय पंचायतें देखने को मिलती हैं तो उसका नाम है पश्चिम बंगाल आप पश्चिम बंगाल को देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में आपको चार स्तर पंचायत देखने को मिलती है आंसर क्या है पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल जो है उसमें आपको चार स्तरीय पंचायत देखने को मिलती है तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें थी कि आप पंचायतों को तीन स्तरीय रखें और इसी समिति के आधार पर जो है इसी को बनाया गया तो चार स्तरीय पंचायतें देखने को मिलती है तो बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों को सरकार ने तुरंत तुरंत एक्सेप्ट कर लिया सिफारिशों को मान लिया और सरकार ने कहा कि आपकी सिफारिशें बहुत बढ़िया है। इसकी सिफारिशों को मानने के बाद देखो वर्तमान में पंचायतों के बड़े प्रोविजन पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है तो किसी समिति के द्वारा आरक्षण का प्रावधान दिया गया पंचायतों में अगर मैं आपसे प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हो जाऊं अगर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूं अभी तो मैं यहां जो प्रश्न आपसे पूछूंगा उस प्रश्न का उत्तर देना आप किताब लेकर बैठोगे तभी भी संभव नहीं होगा चलिए देखो ये प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में द्विस्तरीय पंचायत है तीन राज्यों में द्विस्तरीय पंचायत है एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में पंचायतों का आरक्षण महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत से अधिक है बताइए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपसे पूछेगा एग्जाम में कि वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में महिला आरक्षण 50% परसेंट से अधिक है या 50% परसेंट है देखो 33% परसेंट से अधिक की बात कर दी गई तो 50% परसेंट तक है ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर महिला आरक्षण 50% परसेंट तक है बहुत ही बढ़िया प्रश्न एग्जाम में बन सकता है ऑप्शन आपके सामने आ, बीस राज्य ऑप्शन बी आपके सामने दस राज्य ऑप्शन सी आपके सामने पांच राज्य ऑप्शन डी आपके सामने तीन राज्य अब देखो आप ही इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे से कौन से स्टेट है इंडिया में जहां पर वुमेन रिजर्वेशन या महिला आरक्षण जो है पंचायतों में वो आपको देखने को मिलता है फिफ्टी परसेंट तक ऐसे भारत में कितने राज्य है अगर हमने राज्यों के बारे में बात की तब मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया ऐसे कितने राज्य है जहां की पंचायतें द्विस्तरीय हैं तो ये आपने उत्तर मैंने आपको बता दिया टेक्निकल टीम कमेंट दिखाइए देखते हैं कितने हमारे दोस्त उत्तर दे पाते हैं तो इसका आंसर हो गया आपका तीन राज्य है चलिए इसका उत्तर जो बच्चा सही दे देगा मैं उसको गारंटी के साथ बैच फ्री दे दूंगा लेकिन मैं उनके नाम पूछूंगा जो आप बताएंगे उनके नाम चाहिए त्रिपुरा मणिपुर सिक्किम में एक एक, एक सतरिया है नहीं रंजीत कुमार जी त्रिपुरा मणिपुर और सिक्किम में एक स्त्री नहीं है पंचायतें वहां पर दो आपको देखने की मिलती हैं वहां पर भी दुस्तरीय पंचायतें हैं क्योंकि वहां पर 20 लाख से कम की जनसंख्या है तो पंचायतें एक स्तरीय नहीं है वहां पर एमपी बिहार और यूपी यूके है सर तीन स्टेट रंजीत कुमार जी गलत आंसर है वर्तमान में करीब बीस राज्य हैं भारत के ऐसे करीब बीस राज्य हैं कैसे भारत के करीब ट्वेंटी स्टेट हैं भारत के ठीक है जहां पर कहीं ना फिफ्टी परसेंट तक या तेतीस परसेंट से अधिक पंचायतों में आरक्षण आपको देखने को मिलता है करीब बीस राज्यों में ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा एमपी यूपी बिहार अलग अलग आंसर आप लोग दे रहे हैं चलिए बात करेंगे इसके बारे में अब मेरे भाई सबसे पहली बात आप देखेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति जो है राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया और उन्नीस जो इसकी रिपोर्ट आई बलवंत राय मेहता समिति की तो कभी भी आपको बी आर मेहता बी आर मेहता के बारे में दो तीन बातें देख लेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायतों का वास्तुकार किसे कहा जाता है या फिर शिल्पी कहते हैं वास्तुकार तो आधुनिक वास्तुकार जो है वो बी आर मेहता है पहला प्रश्न तो आप यहां से याद रखेंगे बी आर मेहता साहब आधुनिक वास्तुकार हैं मेहता समिति की रिपोर्ट आई 1957 में और उस समय भारत में कार्य करती थी एनडीसी एनडीसी को आप लोग जानते हैं नेशनल डेवलपमेंट इसे कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद आपने इसका नाम सुना है राष्ट्रीय विकास परिषद तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक प्रकार से आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो कार्य था इसका कार्य था कि देश में देश में योजनाओं को लागू करना तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने उन्नीस में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें आई उसने 1928 में अट्ठावन में एनडीसी के द्वारा स्वीकार किया गया और एक प्रश्न बनता है बहुत अच्छा कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को प्रयोग के तौर पर प्रयोग के तौर पर सबसे पहले कहां पर लागू किया गया प्रयोग के तौर पर सबसे पहले कहां पर लागू किया गया बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा प्रश्न है सबसे पहले कहां लागू किया गया मतलब क्या पूछ रहा है प्रयोग के तौर पर एज ए प्रैक्टिकल सबसे पहले कहां लागू किया गया बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को तो सुनो ध्यान से एनडीसी ने इसका एक पूरा मैप बनाया और मैप बनाने के बाद सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो एपी राज्य है आंध्र प्रदेश में सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में इन दो तीन मोटी मोटी बातें जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं एक बच्चे ने एक प्रश्न मुझे भेजा यूपी सब इंस्पेक्टर का एक ग्रुप है उसने मुझे भेजा हमारे उसमें काफी सारे बच्चे हैं उन्होंने तो एक एक प्रश्न प्रश्न मुझे पूछा भेजा अब मैं उसका उत्तर आपको दूंगा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को सबसे पहले लागू किया गया था किसमें तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले प्रयोग के तौर पर लागू किया गया उन्नीस में जो ये पाया गया एनडीसी के माध्यम से कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें और त्रिस्तरीय पंचायती जो है इसको लागू करना ठीक रहेगा तो इसी के आधार पर सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं सबसे पहले फिर राजस्थान के नागौर जिले में अब यहां से प्रश्न बनता है आपकी जो जानकारी है वो यहां से है दो अक्टूबर उन्नीस को यहां से आप लोग पढ़ते हैं दो अक्टूबर उन्नीस को राजस्थान राजस्थान आप सभी जानते हैं कि राजस्थान एक राज्य है और राजस्थान राज्य के नागौर डिस्ट्रिक्ट है नागौर जिला ये भी आज कल बात पुरानी हो गई है आज के लिए प्रश्न कहीं नहीं पूछा जाता कि राजस्थान का नागौर जिला आजकल पूछा जाता है गांव का नाम बताओ तो नागौर जिले का गांव था जिसका नाम था बगदरी गांव इसका नाम था बगदरी गांव तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज का एक प्रकार से जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी सरकार के द्वारा संपूर्ण जो है पंचायती राज का जो फॉर्मेट था जिसको एनडीसी ने बनाया था उसको लागू किया गया था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में तो ये आपका उत्तर आता है प्रश्न का कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सेकंड देश का राज्य कौन सा था सेकंड तो सेकंड के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो सेकंड राज्य था आंध्र प्रदेश सुनो अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि सर आपने पहले भी आंध्र प्रदेश बताया आपने दोबारा भी आंध्र प्रदेश बताया तो आपकी जानकारी के लिए बता दो पहले प्रयोग के तौर पर आंध्र प्रदेश में लागू किया गया तो आपसे पूछता है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को प्रयोग के तौर पर सबसे पहले कहां लागू किया गया था तब आपको तो उत्तर आएगा आंध्र प्रदेश और अगर आपसे पूछता है कि बताइए सबसे पहले तेतर... सबसे पहले यह पंचायती राज्य को संपूर्ण क्षेत्र में लागू कहां पर किया गया तो पहला राज्य है राजस्थान और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश यह पंचायतों को यहां पर इस प्रकार से राज्यों ने लागू किया आप एक बात सुनिए तब पंचायतें स्वैच्छिक प्रोविजन थी कोई संविधान प्रोविजन नहीं था पंचायतों को एक मॉडल बनाया एनडीसी एनडीसी के 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 माध्यम से और के उस मॉडल को राज्य की बहुत सरकार, बहुत सरकार सारे देश राज्यों ने अपने अपने पर स्वीकार किया एनडीसी के इस मॉडल को बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने यहां पर स्वीकार किया।, किया और भारत में कई राज्यों में आप देखेंगे तो आपको पंचायतें देखने को मिलेंगी पंचायतों की शुरुआत उस समय भारत में हो जाती है लेकिन शुरुआत तो होगी लेकिन संविधान में अनुच्छेद 40 में ही पंचायतों का प्रोविजन था आर्टिकल 40 में यहां तक अभी ये बात क्लियर नहीं थी कि पंचायत भारत के संविधान में एक प्रकार से एक स्वैच्छिक प्रोविजन रखती थी और कोई पंचायतों का कोई संविधानिक दर्जा पंचायतों को नहीं दिया गया था तो अलग अलग राज्य में पंचायतें बन रही थी तो ये जो प्रश्न सो बच्चों ने पूछा था यूपी सब इंस्पेक्टर वाले ग्रुप में बेटा उसका उत्तर ये होगा पहला राज्य राजस्थान दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश

बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के बाद में आप देखेंगे तो एक कमेटी बनी जिसका नाम था अशोक मेहता समिति अब बलवंत राय मेहता अशोक मेहता के भाई नहीं थे अशोक मेहता बहुत बड़े एक समाजवादी नेता हुआ करते थे समाजवादी नेता ये एक सोशलिस्ट लीडर हुआ करते थे और ये मेयर वगैरह रहे थे समाजवादी नेता थे कौन अशोक मेहता जी अब हुआ क्या अशोक मेहता साहब की जब सरकार भारत में बन गई जनता पार्टी की आप जानते हैं कि जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट बनी थी इसको बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था तो नाम था जयप्रकाश नारायण इस नाम को सभी जानते हैं जेपी तो जयप्रकाश जे नारायण साहब समाजवादी नेता थे समाजवादी नेता थे तो सोशलिस्ट लीडर होने के नाते जयप्रकाश नारायण ने जो पंचायतों की उत्थान की बात या ग्रांति के ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है उसको पूर्ण करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया ठीक है तो ये जनता पार्टी ने अशोक मेहता समिति का गठन किया अभी अशोक मेहता समिति क्या है आपकी जानकारी के लिए मैं इसको बता देता हूं इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए अशोक मेहता समिति बनी अशोक मेहता समिति ने अपनी सिफारिशें बड़ी अजीब प्रकार की दी इस समिति ने सिफारिश दी कि भारत में जो पंचायतें बनेंगी वो पंचायतें कैसी होनी चाहिए द्विस्तरीय होनी चाहिए इसने कहा कि भारत में पंचायतें जो होनी चाहिए वो द्विस्तरीय होनी चाहिए द्विस्तरीय का मतलब होता है कि पंचायतों के टू टीयर होनी चाहिए द्विस्तरीय पंचायतों के बारे में इस समिति ने बात करी कहा कि पंचायतें द्विस्तरीय होंगे टू टीयर होंगे कभी कभी एक प्रश्न एग्जाम में बनता है और पूछ लेता है कि अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश नहीं की इसने कहा एक तो आप जिला परिषद बनाइए जिला परिषद आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है एक इसने कहा कि आप मध्य लेवल पर क्या करिए यहां पर आप जो पंचायत समिति कहते हैं या खंड पंचायत कहते हैं इसके बारे में इसने बात की इसने ग्राम पंचायत के बारे में अपनी रिकमेंडेशन नहीं दी अशोक मेहता समिति ने सेकंड अशोक मेहता समिति ने एक बात और बोली इस समिति का यह कहना था सो मेहता समिति का कि आप जो पंचायतों का चुनाव कराएंगे पंचायतों का जो इलेक्शन होगा इस पंचायतों के चुनाव को राजनीतिक पार्टी जो पॉलिटिकल दल होंगे राजनीतिक पार्टी जो होंगी या पॉलिटिकल जो दल होंगे उनके तहत पंचायत का चुनाव लड़ा जाएगा जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं कि स्री स्री श्री श्री एक श्री श्री नरेंद्र मोदी महाराज कह रहे हैं कि भारत में एक राष्ट्रीय चुनाव होना चाहिए तो एक राष्ट्रीय चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है वो पंचायतों में पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेंगी एक प्रकार से इस बात को जोड़ता है और वर्तमान में आप देख रहे हो कि बीजेपी पार्टी ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत का चुनाव हुआ उसमें हमको सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है इसका मतलब वो कहेंगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बात को कि जो उत्तर प्रदेश का पंचायत का चुनाव हुआ है वो बीजेपी पार्टी ने इनडायरेक्टली अपने कैंडिडेटों के माध्यम से लड़वाया है ये बात उनके उनके गुरु अशोक मेहता साहब पहले कह चुके थे कि समाजवादी नेता ये कह चुके थे कि पंचायतों का जो चुनाव होगा भारत में वो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगी चुनाव लड़ेंगी यह बात पहले ही कही जा चुकी थी इस पॉइंट को पहले ही कहा गया था अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी कि पंचायतों का जो चुनाव होगा वो इस प्रकार से होना चाहिए यह बात बहुत समय पहले ही कही जा चुकी थी इस बात को समझने का प्रयास कीजिए चलिए मेरे प्यारे साथियों अब आगे बढ़ते हैं और आगे जानने का सिफारिश करते अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को नकार दिया अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को नकार दिया गया और उस समय की सरकार ने इनकी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया क्या कर दिया अस्वीकार कर दिया क्योंकि इनके सिफारिशों में दम नहीं था तो सरकार ने इनकी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया दी ऑल रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता समिति गॉट रिजेक्टेड ड्यू टू इट वॉज नॉट इन प्रैक्टिकल ये प्रैक्टिकल नहीं थी ये वाली बात यहां पर कहने का प्रयास किया गया ये जो है इनको क्या कर दिया गया इनको निकाल दिया गया इनको इनको मेरे प्यारे साथियों रिजेक्ट कर दिया गया अब बात करते हैं आगे की और आगे की बात देखते हैं तो आपके सामने है, जिसका नाम है इस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा नकार दिया राज्य लटका रहा पंचायती राज्य लटका रहा क्या पंचायती राज्य लटका रहा तो कुछ ही पंचायती राज में विकास का कार्यक्रम आपको देखने को नहीं मिलेगा 1985 में समिति बनी जिसका नाम था डॉक्टर पीवीके राव समिति इस समिति ने पंचायतों के बारे में कहा कि पंचायतों को आरक्षण दो तो पंचायतों में जो आरक्षण की बात करती है वर्तमान में आप देखते हैं पंचायतों में आरक्षण है तो रिजर्वेशन की जो बात कही थी कि जो पंचायतें बने उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए क्योंकि पंचायत तो चल रही थी लेकिन को संवैधानिक दर्जा नहीं था तो एससी एसटी के लिए कहा कि एससी के लिए एसटी के लिए और महिला के लिए पंचायतों में क्या होना चाहिए आरक्षण होना चाहिए तो आपके सामने सीधा प्रश्न आपसे यूपीएससी पूछ लेगी या कोई वनडे एग्जाम पूछ लेगा कि डॉक्टर पीवी के राव समिति ने क्या सिफारिशें की थी तो आपको उत्तर देना है कि पीवी के राव समिति ने सिफारिश की थी कि आप अनुसूचित जाति जनजाति और महिला के लिए क्या करिए आरक्षण का प्रावधान कीजिए इसने कहा कि आप आरक्षण का प्रावधान कीजिए समिति की सिफारिश है बाकी आपको बहुत सारी सिफारिशें मिल जाती हैं कई प्रकार की सिफारिश है यात्रा समितियों की सिफारिश ये थी देखो दो प्रकार के पंचायतों के प्रोविजन होते हैं एक स्वैच्छिक प्रोविजन होता है जो पंचायतों में अपने अकॉर्डिंग करो और एक कंपलसरी प्रोविजन होता है तो जितनी भी समितियां पंचायतों पर बनी है उन्होंने दोनों ही डायमेंशन की बात की है एक स्वैच्छिक डायमेंशन की बात की है और एक कंपलसरी प्रोविजन के बारे में बात की है कंपलसरी प्रोविजन में जैसे पंचायतों में आरक्षण होना चाहिए तो वर्तमान में आप देखते हैं आर्टिकल दो डी में पंचायतों में आरक्षण के प्रोविजन की बात की गई है ये प्रोविजन की जो बात की गई है ये डॉक्टर के राव की करती थी। इसी पे में, में इसमें दो प्रोविजन है एक कंपलसरी प्रोविजन है जिसको आप कहते हैं कि करना ही पड़ेगा तो महिला जो आरक्षण है वो कंपलसरी प्रोविजन है पंचायतों में हर राज्य में आपको महिला आरक्षण देखने को मिलेगा एक बड़ा तीन सीट टोटल तेतीस परसेंट जो सीटें ये महिलाओं के लिए आरक्षित है ये कंपल्सरी प्रोविजन है लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी का जो प्रोविजन है वो स्वैच्छिक प्रोविजन है तो पंचायतों में दो प्रकार के प्रोविजन आपको देखने के लिए मिलेंगे अब ओबीसी का जो आरक्षण है उत्तर प्रदेश राज्य में ओबीसी का आरक्षण है कई राज्यों में ओबीसी का आरक्षण नहीं है इवन जो आरक्षण का मुद्दा है कि राज्य के विधानमंडल का तत्व तो है क्योंकि पंचायत राज्य का विषय है आप देखो अरुणाचल प्रदेश है तो वहां पर एसटी के लिए आरक्षण आपको देखने को नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर एसटी का आरक्षण नहीं है

लेकिन जो आपसे मेन एग्जाम में पूछता है जो आपके एग्जाम में मेन आपसे पूछा जाएगा जहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा कि पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात किसने कही तो ये ऐसी जहां से प्रश्न बनता ही बनता है तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात एल एम सिंघवी समिति ने कही थी उन्नीस में ये ऐसी चीजें जिनको आप भूल नहीं सकते इनको आप याद रखेंगे ही रखेंगे और ये आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी की पूरी गारंटी इनके साथ रहती है ये भी के से किया गया था, कि पंचायतों का आप दे ये पंचायतों को कहा गया था आगे थुंग समिति 1988 में बनी पीके थुंग बड़ी काम की समिति है पीके थुंग समिति ने यह कहा था कि पंचायत संघ का विषय होनी चाहिए जो 1919 के दिन में पंचायत संघ का विषय थी तो इस समिति की सिफारिश यह थी कि पंचायत जो है संघ का विषय होना चाहिए वर्तमान में आप देखते हैं कि पंचायत राज्य का विषय इस समिति की सिफारिश थी कि जो पंचायतें बने वो यूनियन का सब्जेक्ट होना चाहिए यूनियन लिस्ट का पंचायत को सब्जेक्ट बनाओ ये इस समिति की सिफारिश थी कि जो भी पंचायतें बनेंगी ये पंचायतें यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट होनी चाहिए इसकी बात अटपटी सी थी अच्छा कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग की सिफारिशें किसने की तो पंचायतों के लिए जो राज्य वित्त आयोग होता है उसकी सबसे पहली सिफारिश आप देखेंगे तो पी के माध्यम से यह कहा गया था रिकमेंड शुड बी फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत वर्तमान में आप देखते हैं कि पंचायतों के लिए फाइनेंस कमीशन है तो स्टेट फाइनेंस कमीशन है जिसको आप बोलते हैं राज्य का वित्त आयोग और राज्य का वित्त आयोग पंचायतों के लिए आर्टिकल 243 आई में इसका प्रोविजन है तो ये भी पीके थुंग समिति की सिफारिश थी कि पंचायतों के लिए आरक्षण होना चाहिए और पीके के जो है ये, वो राजीव गांधी तो को गठित किया था तो पी के थुंग की सिफारिश आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है आपके लिए उपयोगी रहेंगी अब आते हैं चौसठवा संविधान संशोधन चौसठवा जो संविधान संशोधन है ये बड़ी काम की चीज है इसको अब जब राजीव गांधी की सरकार आई तो राजीव गांधी साहब ने इसको पीके के समिति को बनाया इस समिति की सिफारिशें आई बहुत प्यारी प्यारी और पीके के समिति की सिफारिशों के आधार पर राजीव गांधी साहब ने इसको लागू करने का प्रयास किया और उस समय भारत देश में आप सभी जानते हैं कि हमारा जो प्यारा इंडिया है हमारा जो प्यारा भारत देश है हमारे प्यारे भारत देश में एक संविधान संशोधन आया जिसे कहते हैं सिक्सटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट

पारित नहीं हो पाया राज्यसभा में पारित नहीं हुआ बाद में आप सभी जानते हैं कि राजीव गांधी की सरकार वगैरह चली गई और मई में उनकी मृत्यु हो गई राज्यसभा में पारित नहीं हुआ जब राज्यसभा में पारित नहीं हुआ तो ये पूरा का पूरा विधेयक क्या हुआ फेल हो गया और इसको पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो मिलने की बात कही थी राजीव गांधी साहब ने ये फेल हो गई जब ये फेल हो गई बीच में सरकारें बनी फिर राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई राजीव गांधी जी की मृत्यु होने के बाद कांग्रेस पार्टी के पास एक बहुत बड़ा जन आधार आ गया और आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने नरसिंह राव को प्रधानमंत्री बनाकर अपनी बहुत अच्छे प्रकार से बढ़त हासिल की और उसके बाद राजीव गांधी जी का जो सपना था उस सपने को पूर्ण करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने तैहत्तरवां संविधान संशोधन किया भारत के संविधान में और तैहत्तरवा संविधान संशोधन जो है सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है इसी के माध्यम से पंचायतों को संविधानिक दर्जा दिया गया

भारत में तेतरवा संविधान संशोधन किया था अब यहां से बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं कब हुआ था तो आप सभी के सभी जानते हैं कि तेतरवा संविधान संशोधन हुआ 1992 में उन्नीस 1992 में ठीक है इसके माध्यम से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया अब संवैधानिक दर्जे का मतलब क्या है कि पंचायतों को हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया अब जब शामिल कर लिया गया तो यहां से सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा फोकस्ड कि पंचायतें भारत के के संविधान कौन से भाग में है पूछा जाएगा कौन से पार्ट में आपको पंचायतें दिखती हैं उत्तर होगा भाग नौ में आपको पंचायतें दिखती हैं सीधी बात यहां से प्रश्न पूछेगा कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में आपको पंचायतें दिखती हैं उत्तर होगा कि भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में आपको पंचायत दिखती है अच्छा यही से प्रश्न बनता है कि पंचायतों में टोटल सब्जेक्ट कितने हैं जो पंचायत है इसके टोटल सब्जेक्ट कितने हैं टोटल उन्तीस विषय हैं इनके बारे में पंचायतों के बारे में बात होती है सब्जेक्ट्स जो पंचायतों के बारे में बात करते हैं बहुत ही प्यारा प्रश्न एग्जाम में बनता है कि पंचायतों की भाग नौ में टोटल कितने अनुच्छेद हैं आपकी मैं योग्यता चेक करता हूं आप सभी काफी पढ़े हुए हैं ऑप्शन नंबर ए आपके सामने चलो सभी के सभी मुझे बताएं कि भारत के संविधान में पंचायतों में टोटल कितने अनुच्छेद हैं पंचायत के बारे में बात कर रहा हूं मैं पंचायत पंचायत के भाग नौ में जो पार्ट नौ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या इसमें टोटल कितने आर्टिकल है पंचायत के संबंध में ऑप्शन नंबर ए बी है है बी सी और डी चलिए बताइए ऑप्शन नंबर ए में आंसर पंद्रह है बी में आंसर सोलह है सत्रह है और अठारह है सभी के सभी करेक्ट आंसर देंगे सभी के सभी करेक्ट आंसर देंगे कि पंचायतों में कितने अनुच्छेद आपको देखने के लिए मिलते हैं पार्ट नौ में टेक्निकल टीम पताइए जरा कितने अनुच्छेद आपको देखने के लिए मिलते हैं प्यारे साथियों पेड़ बैच को मिस मत कर देना गलती से भी वीडियो देखने के लिए फोन में डेटा पैक बड़ा नहीं हो रहा मगर डेटा पैक ठीक है भाई कोई समय ऐसी आता है कि जब पास खाने के लिए पैसे नहीं होते और आप सही बात कर रहे हैं कि आप दूसरे भाई वाईफाई से मोबाइल चला रहे हैं कोई बात नहीं है ऐसा वक्त कभी कभी आता है अनिल जी आंसर दे रहे हैं ग्यारह अनिल अंबानी जी आंसर दे रहे हैं आदानी जी आंसर दे रहे हैं उनतीस उनतीस गलत है ग्यारह भी गलत है तरुण पंडित का आंसर आया है सोलह विकास बिश्नोई का आंसर आया विकास बिश्नोई जी नमस्कार कर रहे हैं कमलेश मेरिया का आंसर आया सोलह कुछ बच्चे बी आंसर दे रहे हैं देखो मैंने कहा ना इस पर मैंने कोई फ्री बैच ऑफर नहीं किया आपको क्योंकि मुझे पता है इस प्रश्न का उत्तर न जानने का मतलब है कि अपनी तैयारी छोड़ देना इसका एक ही आंसर है या फिर तैयारी की शुरुआत करना देखो पॉजिटिव बातों को लेकर चलो तैयारी की शुरुआत करना जैसा आपका लेवल है मतलब आप एकदम बिल्कुल कोरे पन्ने हो आप पर जो चाहे लिखा जा सकता है तो इसका करेक्ट आंसर है सोलह अनु सोलह हमारे भारत के संविधान में जो बात करते हैं पंचायतों के संबंध में अगर आपसे पूछ रहे नगर पालिका चलिए अब आंसर दो नगर पालिका के संबंध में कितने आर्टिकल है सेम ही प्रश्न आपके सामने पूछ रहा हूं मैं म्यूनिपालिटी ठीक है बताओ भाई या आप सभी जानते हैं भाग नाइन ए के संबंध में कितने आर्टिकल है उत्तर दें इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा अभी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा सुमित कमरिया जी कह रहे हैं सुमित जी कह रहे हैं सोलर राइट है अनिल अदानी जी कह रहे हैं डी राइट है बहुत बढ़िया कोई दिक्कत की बात नहीं है चलिए रमा शंकर जी कह रहे हैं डी राइट है चलिए रमा शंकर जी आप मुझे बताइए मैं कह रहा हूँ कि यह मैंने प्रश्न को बदल दिया है अभी और बदलने के बाद करेक्ट आंसर क्या होगा बदलने के बाद बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर आपका डी होगा अगर आपसे कभी पूछ ले तो नगर पालिका के संबंध में जो अनुच्छेद है वो अठारह है और इसके संबंध में अठारह ही सब्जेक्ट है ठीक है ऑब्जर्वेशन की बात है लेकिन पंचायतों के संबंध में सोलह आर्टिकल है और सोलह आर्टिकल के उन्तीस विषयों को उसमें बांटा गया है आर्टिकल आप सभी जानते हैं कि दो से शुरुआत होती है और दो से ओ तक के आर्टिकल को आप पंचायत में देखते हैं इसमें फॉर एग्जाम्पल देखो ये पंचायत के अनुच्छेद है तो बड़े छोटी छोटी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि पंचायतों में टोटल अनुच्छेद कितने पंचायतों के टोटल विषय कितने हैं पंचायतों को किस अनु सूची में रखा गया है पंचायतों को किस भाग में रखा गया है उनतीस सब्जेक्टों के बारे में पंचायतें आपकी बात करती हैं और तेतरवे संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को जोड़ा गया आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं एक बहुत ही प्यारा प्रश्न यहां से बनता है कि तैत्वे संविधान संशोधन को सबसे पहले कहां लागू किया गया देखो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि 73rd अमेंडमेंट 73वें संविधान संशोधन को ये प्रश्न बहुत ही प्यारा बनता है कि 73rd अमेंडमेंट 73वें संविधान संशोधन को सबसे पहले कहां पर लागू किया गया ये प्रश्न है प्यारा प्रश्न है बताएंगे भाई सबसे पहले कहां पर लागू किया गया अब मैं आपके सामने ऑप्शन देता हूं देखो ये वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर ई e है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर एफ है इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर देंगे सभी के सभी इनमें से कोई नहीं सबसे पहले कहां पर लागू किया गया देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर बच्चा दे देगा वो भी तैयारी का अच्छा लेवल रखता है उसने अब तक अपना समय वेस्ट नहीं किया है ये मैं जानकारी के लिए बता सकता हूं उसने अपना समय खराब नहीं किया है ठीक है और ऐसे बच्चे मेरे बैच में एडमिशन ले सकते हैं जो इसका उत्तर दे पा रहे हैं उनका यूपीएससी के बैच में स्वागत है ठीक है रमा शंकर जी बता रहे हैं राजस्थान के नागौर जिले में ठीक है रमा शंकर जी आपका आंसर गलत है ठीक है जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं सबका उत्तर गलत है तेहतरवा संविधान संशोधन राजस्थान में लागू नहीं किया गया था सबसे पहले मैं अभी आपको बता के खड़ा हुआ हूं कि सबसे पहले जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें थी एनडीसी की वो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी तेहत्तरवा संविधान संशोधन सबसे पहले लागू किया गया था मध्य प्रदेश राज्य में यहां पर आंसर क्या होगा आपका एपी होगा और आपसे पूछता है अगर सी तो आपका आंसर क्या होगा बाबू तब आपका आंसर जो होगा वो उत्तर प्रदेश होगा और आपसे पूछता है अगर अगर आपसे पूछता है कि सबसे पहले बलवंता मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर जो पंचायती राज पूरे देश में लागू किया गया था उन्नीस में तो उसका आंसर आपका होता है राजस्थान का नागौर जिला 1959 में 2 अक्टूबर को यहां लागू किया गया था तेतरवा संविधान संशोधन जो आप देखते हैं इसके माध्यम से इसको आपको पता है 24 अप्रैल 24 अप्रैल उन्नीस को इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल उन्नीस सौ तिरानवे इसीलिए आप सभी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है सोचो ये 1993 की बात है। 1993 की की बात बात है, है है ठीक और 24 अप्रैल उन्नीस को आप लोग क्या मनाते हैं पंचायती राज दिवस मनाते हैं तो सबसे पहला राज्य यहां पर कौन सा होगा मध्य प्रदेश होगा अब जो ए उत्तर दे रहे हैं वो सभी के सभी गलत हो गए अनुराग कुंतल अठारह आंसर दे रहा है अठारह कहां पर चल रहा है तो ये है इन चीजों को आप समझ लोगे तो आपकी समझ डेवलप हो जाएगी और आप चीजों को समझ पाओगे इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं तो इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार एक पोस्टर यहां पर दिखा दे हमें जिससे कि सभी के सभी साथी टेलीग्राम पर भेज दे उसको जिससे कि सभी के सभी साथी जो हैं यहां पर एक बार जुड़ के इस पोस्टर को देख लेंगे और मैं इन सभी को बता दूंगा क्या है हम आपको क्या ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आप सभी बातों को क्लियरली पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए देखिए मेरे प्यारे साथियों ये आपके सामने यहां पर मैं बोर्ड को ऑपरेट करो भाई ठीक है ठीक है चलो भेज दिया इस पोस्टर देखिए भाई ये जीएस गोल्ड का ही पोस्टर भेज दो यहां पर ये कैसे खुलेगा चलिए भाई यहां देखिए आपको मैं दिखा देता हूं एक बैच है जिसमें इसका नाम है मारथी बैच इस बैच की जो टोटल फीस है वो उन्तीस सौ निन्यानबे रुपए आपको बुरी लग सकती है इस बैच में आपको पढ़ा रही है करण चौधरी सर पढ़ा रही है मतलब पढ़ा रहे हैं ठीक है थीके? मैं इसमें बैच में आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी इस बैच में हम उससे पॉलिटी पढ़ सकते हैं इसके बाद राणा सर दिवाकर राणा सर इनका डेमो आप यूट्यूब पर देख लेना ये मेरे साथ पहले धन अकेडमी में हुआ करते थे और धन एकेडमी से वर्तमान में आप ये डिस्प्ले दिखा दीजिए दिखा दीजिए बच्चों को ठीक है सेकंड नंबर पे इतिहास के टीचर हैं राणा सर ये पहले धन एकेडमी में हुआ करते थे और धन एकेडमी से वर्तमान में हमारे साथ हैं थर्ड टीचर हैं डॉक्टर सिप्रा मैम ये पहले मेरे साथ मेरे पूर्व संस्थान में हुआ करती थी बीच में धन अकेडमी यूपीएससी कैटेगरी में थी वर्तमान में मेरे साथ हैं डॉक्टर सिप्रा मैम इकोनॉमिक्स की बेस्ट फैकल्टी है इसके बाद तीसरे नंबर पर आपकी आरती मैम बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ाएंगी पर आपके लिए ऑप्शनल है

इस बैच का लेवल एक्चुअल में आई होगा कोई भी वनडे एग्जाम का बच्चा मैंने ऐसे नहीं लिखा कि कांस्टेबल से लेकर चपरासी से ले आई एस तक में एडमिशन ले ले मैंने ये नहीं लिखा कि इसमें सब कुछ लिख दिया बाद में लिख दिया आईएस ये बैच आई के लिए पहले है फिर पी के लिए है बीपीएससी एमबीपी आर पी सी जेपीएससी सबके लिए उपयोगी है इस बैच में आपको सारी फैकल्टी यूपीएससी की है कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है आप सर्च कीजिए करण सर मैं आपको पढ़ाई चुका हूं वहां पर भी यूपीएससी कैटेगरी में दिवाकर राणा सर टॉप फैकल्टी थे धन यूपीएससी कैटेगरी में आप जाके सर्च कीजिए सॉरी धन अकेडमी यूपीएससी कैटेगरी आपको मिलेंगे दिवाकर राणा सर द बेस्ट फैकल्टी इन द इन दिन इंडियन हिस्ट्री बेस्ट फैकल्टी इसीलिए मेरे साथ है डॉक्टर सिप्रा मैम वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी दोनों जगह इन्होंने पढ़ाया है पहले आप जानते हैं राजस्थान के टॉप चैनल पर डॉक्टर सिप्रा मैम मेरे साथ हैं आपके यूपीएससी के बैच के लिए आरती मैम से आप पढ़ते ही रहते हैं इसके बाद रघुवंशी सर के बारे में आप जानो डेमो देखना रोहित रघुवंशी सर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है और ये भी ये भी भी मध्य प्रदेश में एक अध्यापक है ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर है और वो भी गवर्नमेंट टीचर जो है ये लेक्चरार हैं रोहित रघुवंशी ज्योग्राफी के बेस्ट फैकल्टी हैं साथ में आपके सुरजीत सर ये बायोलॉजी की सुपर फैकल्टी हैं उनतीस सौ निन्यानवे रुपए की फीसेस बैच की एक साल तक आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी एक साल तक पूरी क्लासेस आप इंजॉय कर सकते हैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होंगी हजारों वीडियो देख सकते हैं हर फैकल्टी आपको नोट्स प्रोवाइड करेगी आप नोट्स को कितनी बार भी पढ़ सकते हैं आपको बुक्स प्रोवाइड होंगी आपको टेस्ट प्रोवाइड होगा किसी भी फैकल्टी से सप्ताह में एक दिन आपको साप्ताहिक मार्गदर्शन होगा फैकल्टी से आप बात कर सकते हैं रघुवंशी तैयारी कर रहे हैं अगर आपका मन है कि सर हम किसी स्पेशल बैच की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोवी शिक्षा गोल्ड सब्सक्रिप्शन मोवी शिक्षा हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसमें कई प्रकार के सब्सक्रिप्शन मैंने लॉन्च किए हैं जो कि धन अकेडमी के अस्सी हजार के सब्सक्रिप्शन को तोड़ने का सब्सक्रिप्शन आपके लिए लेकर आया हूं एक इसमें क्या है? आपको देने पॉलिटी मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी और उत्तर प्रदेश जीके अगर आप गोल्ड सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सभी प्रीलिम्स परीक्षाएं आप एमपी की तैयारी करते हैं आप राजस्थान की तैयारी करते हैं आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं देखो कैसे मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं आपके सामने गुमा फिराने चीजों को आप बड़े ध्यान से समझो मेरे साथ अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे मैं पढ़ाऊंगा सर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे मैम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रही होंगी मैम आपको हिस्ट्री पढ़ा रही होंगी रघुवंशी सर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे ज्योग्राफी पढ़ा रहे होंगे और सुरजीत सर आपको पढ़ा रहे होंगे बायोलॉजी केमिस्ट्री तो जीएस की फैकल्टी होगी अगर आप आर एस का फॉर्म भरोगे तब आपके पेपर में राजस्थान हिस्ट्री आएगी तो राजस्थान हिस्ट्री मेरे साथ पढ़ा रहे टॉप फैकल्टी डॉक्टर विष्णु शर्मा जो कि जयपुर की एक नंबर फैकल्टी है मेरे साथ जुड़ गए डॉक्टर विष्णु शर्मा आपको पढ़ाएंगे सुपर तरीका से राजस्थान की हिस्ट्री साथ में अगर देखो राजस्थान की ज्योग्राफी होता है क्या है कोचिंग संस्थान धन कमाने के चक्कर में बहस तो लॉन्च कर देंगे और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने वाला टीचर राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ा पाए इसमें बड़ी कठिन बात है बड़ी कठिन बात है लेकिन धंधाखोरी में शुरुआत करने में कोई देर कोई छोड़ता नहीं है चमक दमक की धंधाखोरी है लेकिन राजस्थान की स्पेशल ज्योग्राफी है अपने आप में इतना बड़ा स्टेट है राजस्थान उसकी ज्योग्राफी के अलग से टीचर मैंने रखे आपके सामने जेडी सर हैं जो आपको राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाएंगे वन ऑफ दी बेस्ट फैकल्टी आप यूट्यूब पर सर्च करिए आप जेडी सर को देखिए डॉक्टर विष्णु शर्मा सर को देखिए तो राजस्थान अगर आप तैयारी आर की कर रहे हैं तब भी आप चार में आप फॉर्म भर सकते हो इसको लेने के बाद आप आई का फॉर्म भर सकते हो एम का फॉर्म भर सकते हो MPPices में एमपीजी के आपको पढ़ाएंगे रोहित रघुवंशी सर जोग्राफी के साथ साथ आप बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हो बीपीएससी में आपको बिहार जी के मैं पढ़ाऊंगा मैंने पहले चैनल शुरू किया था बिहार का खूब फला फूला बिहार जी के और पॉलिटी आपको मैं पढ़ाऊंगा अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भरते राजस्थान का फॉर्म आपने भर दिया मध्य प्रदेश का फॉर्म आपने भर दिया उत्तर प्रदेश का फॉर्म आप भर सकते हैं

तो आप किसी भी तैयारी को कर सकते हैं पांच हजार रुपए की तैयारी में आपके सारे पीसीएस के पेपर इसमें कवर हो जाएंगे सारे पीसीएस के इस बैच को कोई कांस्टेबल की तैयारी करने वाला कोई सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाला बिल्कुल ना खरीदे हंड्रेड परसेंट फेल हो जाओगे ये बैच सिर्फ यूपीएससी पीसीएस बीपीएससी आरपीएससी एम उन्हीं के लिए है उन्हीं के लिए है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सिर्फ पीसीएस परीक्षाओं के लिए है इस बैच को कोई वन डे एग्जाम का बच्चा ना खरीदे उनके लिए हमारे पास सस्ते बैचेस हैं उनके लिए हमारे पास तो, तो दो हजार रुपए में सब्सक्रिप्शन है पांच हजार रुपए में मैं आपको दे रहा हूं पूरी एक साल की प्री प्लस मेंस की तैयारी इसमें लिखा है सभी प्री परीक्षाओं के लिए लेकिन मैं मेंस में भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इसमें मेन्स का सब्सक्रिप्शन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इसका लिंक आज से आपको मिल जाएगा अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है नहीं तो आप जाओ जहां आपको पढ़ना है आप पढ़े मेरी तरफ से आपको खुली छूट है विकल्प आपको मैं प्रदान कर दिया हूं विकल्प मैं आपके सामने लेकर आया हूं ये सभी अध्यापक के डेमो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं मैं अपने डेमो कराऊंगा लेकिन मुझे इनके डेमो की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आप किसी भी टीचर का नाम डालिए सुरजीत सर बायोलॉजी हजार डेमो मिल जाएंगे डॉक्टर विष्णु शर्मा राजस्थान हिस्ट्री हजार डेमो मिल जाएंगे डॉक्टर जेडी सर राजस्थान हजार डेमो मिल जाएंगे रघुवंशी सर जोग्रफी इनके डेमो मिल जाएंगे आरती मैम के तो देख ही चुके आप सिपरा मैम इकोनॉमिक्स इतने सारे डेमो मिल जाएंगे हिस्ट्री दिवाकर राणा सर इतने सारे डेमो मिल जाएंगे मेरे आप दिन दिए गए नंबरों पर कॉल कर रहे हैं एक साल की वैलिडिटी के साथ और आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मैं प्रोवाइड करता रहूंगा बीच बीच में ये बैच है इस बैच के टक्कर में आप जाओ जहां चले जाओ आप जाके किसी संस्थान पचास हजार फीस दे दो एक लाख फीस दे दो अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो पांच हजार रुपए मांग रहा हूँ पांच हजार दे के एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ और जोड़ूंगा और जोड़ूंगा अभी फैकल्टीज आपको दस फैकल्टी दूंगा दस फैकल्टी टॉप क्लास आप पढ़ो बनडे एग्जाम से आपको क्या मतलब है अगर हमारे चैनल पे वनडे क्लासेस चल रही हैं चल रहे तो उसकी अलग टीम है उसमें हिस्ट्री अलग चल रही है उसमें ज्योग्राफी अलग है इनमें से कोई भी टीचर वनडे में नहीं होगा आरती मैम है वनडे में तो मैं सुरजी सर दूसरे आपके लिए लेकर खड़ा हूं बायोलॉजी में

जी सर अच्छी कोशिश है मसाला मासस इतने रुपए में हाँ नहीं अच्छी कोशिश इसीलिए अनुराग कुंतल क्योंकि मैंने पढ़ा है ऐसे संस्थानों में जहाँ पचास हजार रुपए फीस है मैंने उनमें पढ़ा है मैंने पढ़ा है उन संस्थानों में जहाँ अस्सी हजार रुपए का सब्सक्रिप्शन है चार हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए का सब्सक्रिप्शन दे रहा हूं मैं उसमें भी आपका मन है तो आप दो पार्ट में पैसे पे कर दो और आपका मन अगर लग रहा है कि सर मुझे एक ही बैच पढ़ना है ये कोई बैच नहीं है एक मेंबरशिप है आप मेरी फैमिली के मेंबर बन जाओगे इसके माध्यम से आप मुझे शिक्षा के मेंबर बन जाओगे इसके माध्यम से अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट है ना मैं जिस अध्यापक से रिक्वेस्ट करूं वो मना नहीं करेंगे मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं हूं तो जोड़ रहा हूं आपके सामने ठीक है और जोड़ के रखूंगा आपके सामने अगर आपको लग रहा है कि सर हमें तो वनडे के लिए मतलब हमें तो सिर्फ एक ही बैच खरीदना है तो मेरे भाई उन्तीस रुपए मात्र तीन की फीस है इसको आप दे दे और सेकेंड चीज अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम किसी बड़े नाम का बैच खरीदोगे मैंने खरीद रखे हैं बैच यूपीएससी के बहुत सारे कोचिंग सेंटरों के खोल नहीं सकता तुम्हारे सामने हकीकत पॉलिटी की मैं बता दूंगा उनके बैच के पढ़े हुए बच्चों से प्रश्न पूछ लेना आंसर दे बैच बैच फ्री बैच फ्री मैं कुछ कहता ही नहीं बैच फ्री पूरा बैच फ्री ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है सर पॉलिटिकल साइंस का यूजीसी नेट के लिए पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट का भी मेरा बैच आ गया है टेक्निकली दिखाई जरा

कुछ आपके फिलोसफर्स के हॉप्स के रूसो के, 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 मार्क्स के, लेनिन के, जब आप वाकई में देखोगे तो मजा कुछ और ही आएगा लिबर्टी को न्याय को आप जब देखोगे तो मजा कुछ और ही आएगा पॉलिटिकल थॉट जब आप पढ़ोगे तो मजा कुछ और ही आएगा जब आप कंपेटिव पॉलिटिक्स में चस्का लगाओगे इंडियन तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और ही होगा के तो इसीलिए मेरी पीपीटी इतनी ज्यादा इनोवेटिव बनाई गई है इतना मेहनत किया है टीम ने उसको मैं ऐसे लाऊंगा बाजार बात अनुसार के अनुसार की हालत खराब कर दे बाजार का पेनीट्रेशन सा हो उसके अकॉर्डिंग लाके हम लेकर आएंगे उस पॉलिटिकल साइंस के बैच को उसका पोस्टर मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है यही कारण था कि बाजारवाद की वजह से मैं थोड़ा चीजों को डिले कर रहा था सात हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये इसकी फीस है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं अलग हूं और अपना टेक्निकल सेटअप अलग है मेरे पास मेरे घर में ही टेक्निकल सेटअप है तो लेकिन हम यहाँ पर भी चीजों को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं अच्छे से अच्छा सेटअप में बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाजारवाद की नाक में दम कर दें जिसे कि पता चले कि भैया बाजार बाद में भी समाजवादी रहते हैं चलो तो इस बैच की फीस है सात हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए आपको ले गुरुदेव पॉलिटिकल साइंस की यूजीसी नेट की फीस इतनी मेरे भाई पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट आपको मैं दो सौ घंटे में पढ़ाऊंगा दो सौ घंटे दो सौ घंटे आप मेरे साथ लड़ोगे पॉलिटिकल थॉट पॉलिटिकल थिंकर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर न्यू मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर

पहले पेपर को आप खुद पास करोगे प्रथम पेपर में आप अपनी खुद देखोगे बाकी पॉलिटिकल साइंस के पेपर मैं 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 पास पास करा के दूंगा 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 आपको रगड़ा मैं दूंगा आपके लिए अब बिल्कुल ही आप बेकार होंगे होंगे तो तो भगवान जाने थोड़ी बुद्धि रखते होंगे तो मैं पास करवा दूंगा आपको इसकी फीस है आठ हजार रुपए इसमें मार्केट से कम फीस है मार्केट में यूजीसी नेट की फीस बहुत ज्यादा है पोलिटिकल साइंस की एक डेमो में दूंगा पोलिटिकल साइंस का उसके बाद पढ़ के देख लेना मैं आपको एक डेमो दूंगा इक्वलिटी का या किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ा दूंगा मैं लिबर्टी का धुआं निकाल देंगे वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट का एक बार देख लेना फिर बैच खरीद लेना इससे फीस इसकी कम नहीं है क्योंकि ये मेरा दिमाग का मसाला लूज कर देगा पूरा का पूरा सेकंड बैच है प्रवक्ता पीजीटी देखो मैंने नेट और पीजीटी को अलग अलग रखा है क्योंकि पीजीटी का सिलेबस नेट से छोटा है उत्तर प्रदेश पीजीटी के जो टॉपिक हैं वो काफी छोटे हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस आप देखते हो यूपी पीजीटी में तो काफी छोटी है UP में कई सारे टॉपिक कट कर दिए गए जैसे कि थिंकर की बात देखो तो थिंकर में उसमें कई वेस्टर्न थिंकर नहीं है पॉलिटिकल थॉट की बात देखो उसमें कई प्रकार के पॉलिटिकल थॉट आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो मैंने यहां पर अपने यहां पर पॉलिटिकल साइंस की पीजीटी की फीस रखी है मात्र पांच हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए जिसको ये ज्यादा लग रही है भाई मेरे भाई आप किसी भी जगह जाके पढ़ सकते हैं इससे कम फीस आपको कोई नहीं देगा किसी भी कीमत पर नहीं देगा सत्रह पेज की स्लाइड दूंगा मैं आपको सत्रह पेज दोबारा सुनो मैंने क्या बोला सत्रह की स्लाइड है यूजीसी नेट की कितने पेज पेज 1700 की स्लाइड्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा यूजीसी नेट के बैच में तो मेरे भैया इससे कम उम्मीद मुझसे करके मत चलो किसी भी कीमत पर क्योंकि मुझसे नहीं थैया थैया होगा कि एडमिशन लेके बैच में ुल्लू पापा कर दिया एसएससी की कोचिंग यूपीएससी पढ़ा रहे हैं, मास्टर मैथ का आईएस की कोचिंग खोल ली लुल्लू पापा बैच में चल रहा है ये नहीं नहीं होगा ठीक है इसको आप देख लो खुद नहीं दिया और उसके बाद भी SSC का टीचर मैथ पढ़ा के खोल दिए ऐसा यहाँ नहीं होगा तो ये आपको देखने को मिल जाएगा पांच हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए इसकी फीस है ये आप देख सकते हो बढ़िया बैच है इसको आप ले सकते हो जिसको कॉन्फिडेंस है वो ले ले अन्यथा बिल्कुल ना ले मेरा किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है

तो मैं यूपी पीसीएस का पेपर भरता हूं मैं बिहार पीसीएस का पेपर भरता हूं मैं राजस्थान पीसीएस का पेपर भरता हूं मैं एमपी पीसीएस में भी ट्राई मारता हूं दुनिया में कोई बच्चा ऐसा नहीं आई एस का जो आईएस की तैयारी करता हो और यूपी पीसीएस का पेपर ना देता हो एमपी पीसीएस का पेपर ना देता हो बिहार पीसीएस का पेपर ना देता हो राजस्थान पीसीएस का पेपर ना देता हो अब इसको कोई मैथ वाला कोचिंग चलाएगा तो वो तो कहेगा ही अरे आईएस का बैच अलग से नहीं मेरे अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन का मॉडल ये है कि आप हर किसी का फॉर्म भरते हो क्योंकि आप राजस्थान भरोगे मैं जानता हूं बिहार वाले राजस्थान भरते हैं राजस्थान वाले बीपीएससी भरते हैं यूपी वाले भरते हैं और एमपी वाले भरते हैं और सभी भाई मिलकर बाद में आई का फॉर्म भरते हैं तो ये जो मेंबरशिप है ये ऐसी है कि इसको लेने के बाद आप सभी प्रिलिम्स परीक्षा को दे सकते हैं आप राजस्थान देंगे इन दो टीचरों के साथ अलग से पढ़ लेना बाकी सब मिक्स है उसी में बिहार दे लो एक टीचर से पढ़ लेना मैं पढ़ाऊंगा बिहार जी के बाकी सब सबमिक्स है आप दे लो एम पी इनसे एमपी जी के पढ़ लेना बाकी सब है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इस बैच को ले और कॉन्फिडेंस के साथ ले मैं तैयार हूं मैं खड़ा हूं तो इस बात में बहुत बड़ा दम है और मैं कोई फिर से मैं कह दूंगा मुझे गुस्सा आ जाता है कि मैं कोई सब इंस्पेक्टर नहीं हूं मैं कह रहा हूं मतलब खरीदो ठीक है इस बात में जोड़ दो और सब इंस्पेक्टर बनकर आई एस के बैच को प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं मैं कह रहा हूं तो खरीदो इस बात को दिमाग में डालो ठीक है बंडे के लिए दिमाग में डालो और तब इस बैच को लो इट अब बताओ और कोई डाउट है दिखाओ भाई और कोई डाउट और कोई डाउट किसी को ठीक है सर आप सर पॉलिटी स्मार्ट हो सर कैपिटलिज्म का तोड़ निकाल रहे हो गुरु बिल्कुल भाई कैपिटलिज्म का तोड़ लेकिन क्वालिटी कैपिटलिज्म मिलेगी बाजारवादी क्वालिटी मिलेगी मेरी क्लास में जो सब कुछ होगा बाजारवादी होगा पीपीटी आप देखना चमकदार होंगी चमकदार इस कैमरे में थोड़ा फेड हो जाता है मामला अब सोचो फेडम मामला ऐसा है कि आजकल कैमरा गोरा हो तो मास्टर रंगीन नजर आता है उसके बाद कुछ लिखता है तो क्वालिटी फोकस तो फोकस भाई हमारे पास इतने पैसे तो थे नहीं अब पहले हम जहां पढ़ाते थे वहां पर 2 लाख का कैमरा था हमारे पास भाई 50000 का कैमरा नहीं है हम भी भाई जारवाद की तरफ चल रहे हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी दी जाए टीचर्स सारे के सारे ये भी आपको बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे तो आपका जो लेवल है वो बाजारवादी है लेकिन फीस जो है वो समाजवादी है तो समाजवादी फीस आप ले लीजिए सुरजीत सर की बायोलॉजी की क्लास नहीं मिल रही है सुमित जी मिल जाएगी आप सब सर्च किए सर बायोलॉजी क्लास बीपीएससी आपको मिल जाएगी बीपीएससी लिखिए मिल जाएगी सुरजीत सर बायोलॉजी बीपीएससी करिए आपको आपको मिल जाएगी। सब की आपको मिल जाएगी जाएगी क्लास मैं, यहां भी सर, बैच से होगा? सर, मैं जो ले चुके हैं ना आप प्राइम मेंबरशिप ले चुके हैं वो कोई बात नहीं है आप कुछ न कुछ देके इसमें ट्रांसफर करा लो मेरे यहां कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे एक संस्थान में किसी का मैं खुद इसका मालिक हूं तो आप कुछ ना कुछ देके बात करके नंबरों पर ट्रांसफर करा लो और इस बैच में आ जाओ इस मेंबरशिप में आ जाओ फोन नंबर दिए ये इस फोन नंबर पे फोन करोगे तो मुझसे बात हो जाएगी इस फोन नंबर पे फोन करोगे तो टेक्निकल टीम से बात होगी इस फोन नंबर पे फोन करोगे तो ये मेरी टेक्निकल टीम है जो यहां मेरे पास है इस नंबर पे कॉल करोगे तो दिल्ली की टेक्निकल टीम है जो दिल्ली में बैठती है आप किसी भी टेक्निकल टीम पर फोन कर सकते हो तो भाई इस बैच के लिए प्रयास करूंगा एक एक डेमो डेली चलेगा एक एक डेमो लेते जाओ और उसके बाद इसमें एडमिशन लेके संतुष्टि बनाओ और जम के पढ़ो भाई ठीक है ये मैं इस बैच को ला रहा हूं चार हजार नौ सौ निन्यानबे में चलिए अब कहानी खत्म करते हैं काफी हो गया आपकी सूचना मैंने काफी दे दी बाजारवादी संस्कृति के अनुसार कहूं तो प्रचार काफी कर लिया अब समाजवादी तत्व पे आते हैं तो मेरे भाई अब जब दो सौ तैतालीस आर्टिकल के बारे में आप पढ़ते हैं तो दो सौ तैतालीस आर्टिकल से आगे यहां से कार्यक्रम शुरुआत होता है आपका यहां से आपका कार्यक्रम शुरुआत होता है अब यहां से आगे अनुच्छेद है जैसे आप देखते जाओगे मैं इनको क्लास में पढ़ाऊंगा जैसे ग्राम सभा तो दो आर्टिकल में आपको ग्राम सभा देखने को मिलेगी ग्राम सभा के बारे में आप पढ़ेंगे ग्राम सभा क्या होती है सबसे बेसिक होती है पंचायतों के गठन के बारे में आप दो बी में पढ़ोगे ए में ग्राम सभा पढ़ोगे दो बी में पंचायतों के गठन के बारे में आप पढ़ोगे कि पंचायतों का गठन किस प्रकार से होता है त्रिस्तरीय पंचायतें होती हैं तो गठन किस प्रकार से होता है पंचायतों के गठन के बारे में विधानमंडल को पावर है नियम बनाने की दो सी में आप पढ़ोगे कि पंचायतों के गठन के बारे में विधानमंडल कैसे बनाता है और यही कारण है कि कुछ राज्यों में पंचायतों का नाम अलग है विधानमंडल के पास काफी पावर होती है सी में पढ़ोगे दो तैतालीस डी की बात करते हो तो डी में आप सभी क्या पढ़ोगे पंचायतों के आरक्षण को मैं आपको बताऊंगा कि पंचायतों में आरक्षण कितना है कैसे है तैतीस सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है एससी एस टी के आरक्षण के बारे में बात की गई संविधान में लेकिन ओबीसी के आरक्षण के बारे में बातचीत नहीं है इसके बारे में बातचीत करेंगे किस प्रकार से महिलाओं का आरक्षण है इसके बाद दो डी के बाद टू ई e आप पढ़ेंगे दो ई e, तो पंचायतों का कार्यकाल है यहां से बड़े बढ़िया प्रश्न बनते हैं कि पंचायतों का कार्यकाल कब से शुरू होता है पंचायतों का कार्यकाल कब से शुरू होता है बहुत ही प्यारा प्रश्न यहां से बनेगा मैं इसको आगे सब पढ़ाऊंगा आपको आर्टिकल दो ई e में इसके बारे में बातचीत करते हैं पंचायतों का कार्यकाल कब से शुरू होता है बहुत ही प्यारा प्रश्न है ऑप्शन नंबर वन है आपके सामने चुनाव से ऑप्शन नंबर आपके सामने बैठक से या लिख सकता हूं प्रथम बैठक से ऑप्शन नंबर तीन है आपके सामने प्रथम प्रथम धन प्राप्त करने पर धन प्राप्त करने पर और ऑप्शन नंबर यह आपके सामने इनमें से कोई नहीं ठीक है तो आप आंसर चूज करिए बढ़िया दो सौ तैतालीस एफ में सदस्यों की योग्यता पढ़ेंगे इक्कीस वर्ष की आयु पे आप चुनाव लड़ सकते हैं क्या कि उसकी योग्यताएं इन सारी बातों के बारे में आपको बताऊंगा लॉजिकली समझाऊंगा पंचायतों के कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं तो दो जी के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो पंचायतों के कार्य और कर्तव्य आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें पूरी लिस्ट जो आप पढ़ते हैं पंचायतों की उन्तीस सब्जेक्ट है उनतीस सब्जेक्ट आपको यहां देखने को मिलती है पंचायतों की कि कृषि का विस्तार या कृषि भूमि वगैरह भूमि विकास लघु सिंचाई पशुपालन डेयरी मत्स्य उद्योग देखा पंचायत है कि मछली पालन कर लो पोखरा बनवा लो ठीक है पशुपालन के बारे में आप सभी के सभी जानते होंगे पशुपालन हो गया डेयरी उद्योग हो गया सामाजिक वानिकी हो गई सोशल फॉरेस्टिंग हो गई फार्म वानिकी हो गई लघु वन उपज हो गई ये सारे के सारे उन्तीस जो आप देखते हैं खादी ग्राम ग्रामीण आवासन पेयजल सबके बारे में हम बातचीत करेंगे ये सारे के सारे आपको कहाँ नजर आते हैं तो आपको जी और एच में नजर आते हैं पंचायतों के कार्य और उत्तरदायित्व इसके बाद पंचायतों को वित्त कहां से प्राप्त होता है तो दो जो आई अनुच्छेद है इसमें पंचायतों के वित्त के बारे में फंक्शन है मतलब भारत के राज्यों में राज्यों का वित्त आयोग के बारे में जो बात होती है वो टू फोर्टी थ्री आई में बात होती है अब राज्यों के बिता को कौन गठित करता है राज्यपाल इसके बारे में हम कंप्लीटली बात करेंगे कौन गठित करता है कैसे होता है कितना कार्यकाल होता है किसको त्याग पत्र देते हैं कितने मेंबर होते हैं क्या फंक्शनिंग होती है और केंद्र के इलेक्शन केंद्र के फाइनेंस कमीशन के साथ दो सौ अस्सी के साथ इसका क्या गठजोड़ होता है कौन सी बातें होती है सब अपन बातचीत करेंगे इसके बाद आता है निर्वाचन आयोग दो सौ तैतालीस के को आप देखेंगे के तो ये राज्यों का निर्वाचन आयोग है और राज्यों के निर्वाचन आयोग किसका चुनाव कराते हैं पंचायतों का तो राज्यों का निर्वाचन आयोग कौन सी संस्था है इसका गठन कौन करता है राज्यपाल करता है कितना इसका कार्यकाल होता है कौन इसका मेंबर बनता है क्या इसकी होती है? कैसे कार्य करती है इन सारी चीजों के बारे में हम बातचीत करेंगे और यह सब मैं आपको बता दूंगा अभी क्लास आपको पेड़ में मिल जाएगी प्यारे साथियों गुस्सा ना हो मुझसे क्योंकि मैं भी YouTube पे व्यूज के चक्कर में थोड़ा सा दीवाना तो रहता ही हूं क्योंकि YouTube पे व्यूज उसी को मिलते हैं जो लगा दे ठुमका मैं लगा नहीं सकता हूं लेकिन मैं इस संडे इस रविवार लेकर आ रहा हूं तीन बजे आपके लिए यूपी ट्रिपल एसी पैट की महा क्लास ठीक है उसमें जो मेरे मेरे के प्यारे मेरे बच्चे हैं उनके लिए यूपी ट्रिपल पैट की पॉलिटी में खत्म कराऊंगा छह घंटे में मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं दो सौ घंटे में और मैं ही पॉलिटी पढ़ाऊंगा छह घंटे में तो जादू करते रहना चाहिए क्या पता है इस बाजारवाद की दौड़ में हम ना पीछे रह जाए हम भी हाय हाय करके छह घंटे में हम भी पढ़ाएंगे तो प्यारे साथियों मिलिए छह बजे बेहतरीन तरीका खत्म होगी शाम को चार बजे यूपी ट्रिपल एस पैट का सिलेबस बहुत छोटा है उसमें कुछ ही टॉपिक है उन टॉपिकों में से जो मैं पढ़ाऊंगा वही प्रश्न में आएगा तो आप उस मैराथन को देखना एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो हिम्मत उस बनाने वाले की जो उससे बाहर आए अब आएंगे तो अलग है ही एक दो तो लेकिन फिर भी ऐसे ही कहा जाता है ठीक है तो मेरे प्यारे लाडलो मिलो इस रविवार इस संडे सभी जो आपके छोटे भाई यूपी ट्रिपल एसी पैड दे रहे हैं संडे चार बजे अब आई एस वाले मत समझ लेना कि गुरुदेव उसी में पढ़ लेंगे पॉलिटी तुम्हारा कुछ नहीं होगा फिर ठीक है चलो तो इन सब्जेक्ट के बारे में अपन बातचीत कर लेंगे मैं सब पढ़ाऊंगा थॉरली पढ़ाने पड़ेंगे एक एक टॉपिक को डिस्कस करना पड़ेगा पंचायती राज टॉपिक करीब करीब पंद्रह से दस घंटे का है दस घंटे तो कम से कम ले जाता है अगर प्री प्लस मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे इस टॉपिक को तो दस से पंद्रह घंटे का टॉपिक है ठीक है जिसमें हम पूरी डायमेंशन के बारे में बात करते हैं पंचायतों में महिला का आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है पंचायतों में महिला आरक्षण की स्थिति बहुत बड़ा मुद्दा है वर्तमान में देखो बिहार में महिला पंचायतों का आरक्षण है पचास परसेंट है लेकिन महिलाओं को मिलता है आरक्षण बिल्कुल नहीं मिलता तो बिल्कुल नहीं मिलता तो स्थिति कुछ अलग रहती है पंचायतों के उनके पति जो है वो प्रधान होते हैं और महिला बेचारी महिला होती है तो पति परमेश्वर प्रधान और महिला महिला तो रियलिटी को हम जांच करेंगे ग्राउंड के बेसिस पर कि क्या एक्चुअल में हमारे कंट्री में स्थानीय सुशासन जो है या पंचायत जो है मेंस लेवल पर देखा जाएगा कि वाकई में सही है या गलत है बीपीएससी में प्रश्न की बार पूछा जाता है कि पंचायतों की स्थिति जो है उसके बारे में जांच करिए उसके बारे में हम जांच करेंगे जैसे बिहार में पंचायतों को लेकर प्रश्न इस बार बन सकते थे तो इसी प्रकार से आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो बड़ा ही टॉपिक बड़ा लंबा है लेंदी है एक क्लास में खत्म होना संभावना नहीं है इसकी तो हम इसको बड़े बेहतरीन चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप सभी आ जाए उस बैच में मेरी बाध्यताएं हैं तो भैया क्योंकि देखो यार यूट्यूब पे है अलग ही राम माया और राम माया के चक्कर में मैं चाहता नहीं कि यहाँ सुबह से शाम तक गला फाड़ू उसके बाद थोड़े व्यूज कम रह जाए तो करण चौधरी के व्यूज कम आ रहे हैं आजकल उस मैडम के ज्यादा आ रहे हैं ठीक है चलो फिर क्लास में मिलते हैं प्रॉपर पेड बैच में किसमें मिलते हैं पेड बैच बैच में इसमें एडमिशन ले लो बैच की टाइमिंग क्या स्टार्ट होने की तारीख है अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी तब तक एडमिशन ले लो जितनों को लेना है पैसों के इंतजाम कर लो नहीं है तो प्राइम मेंबरशिप में इंस्टॉलमेंट दे सकते हो दो इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे पांच हजार के ढाई ढाई हजार रुपए के बात करके अपना कार्य करो ठीक है लास्ट में भाई कमेंट दिखा दे शेरों के फिर मैं क्लास को खत्म करता हूँ मेरे भाई सर पांडिनी है सर मैं प्राइम ले चुका हूँ बता दिया अपने यहाँ भी यही सब पढ़ाना पड़ती है अपने यहाँ भी पढ़ाना पड़ता है होता है पॉलिटिकल पोले, साइंस का यूजीसी नेट के लिए बैच अनु जी पोलिटिकल साइंस का यूजीसी नेट का बैच में अभी आपको बता के खत्म किया है टेक्निकल टीम प्लीज बैच को रिफ्लेक्ट करे देखो अनु जी आपको पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट का बैच यहां पर दिखाई दे रहा होगा है एक सेकेंड है दिखाई दे रहा है कहीं पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट हाँ ऊपर वाला चलिए देखिए यह पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट का बैच है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको दिखाई दे जाएगा एक सेकेंड के अंदर अंदर देख लीजिए आप ये बैच है ये इसकी फीस है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ठीक है देख लीजिए दिख रहा है आपको यूजीसी नेट का बैच इसकी फीस है सात हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए इसमें करण चौधरी आपके साथ होगा दो सौ घंटे बैच में ठीक है दो सौ घंटे के लिए हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे आप इस बैच में एडमिशन ले सकती हो सात हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए और कमेंट दिखा मेरे भाई सबके कमेंट दिखा ठीक है अनु राय हो गया आपका क्लियर रंजीत सिंह जी आपका डाउट बताइए कोई डाउट तो नहीं है सर यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ पॉलिटी थैंक यू एंड लव यू और कोई अब देखो अब मैं कल यूपी ट्रिपल एस सी पैट पढ़ाऊंगा हजारों बच्चे देखेंगे हजारों समाज में हीरे बहुत कम है क्योंकि बच्चे को चाहिए नौकरी आप वो आई एस बोले इसीलिए फीस ज्यादा है ऑब्वियसली बात है क्योंकि भाई क्रीम है और क्रीम मार्केट में बहुत कम है बेरोजगारी नहीं है क्रीम मार्केट में कम है तो क्रीम इतनी है चालीस बच्चे, 40 बच्चे क्रीम है बाकी सब तो अभी मैं थोड़ा डिस्को सा कर रहा होता ये पेन यहाँ रख लेता मैं <laughs> तो वॉचिंग चली आती दो सौ प्लस तो उसके लिए जरूरत नहीं है यहाँ पर 300, तीस ही पढ़ो बाकी बाद में देखेंगे ठीक है चलो लव यू बाय जय हिंद